रहे अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने देखा सेक्शन एट सॉरी सेक्शन नाइन सेक्शन टू सी पूरा लाइन बाय लाइन किया है। सब लोग आप यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरा डिटेल में डेप्थ में मिलेगा। हमने लास्ट दो से तीन सेशन ऐसे किए हैं कि हम लोग जनरल जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट टीपीआई को पता होना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट क्वालिटी इंस्पेक्टर क्वालिटी इंजीनियर को होना चाहिए, उसी के बारे में हम अभी सेशन कर रहे हैं। ये आज हमारा लास्ट सेशन है। एक्चुअली यहाँ पे 60 पेज है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 60 पेज है, लेकिन इतना पेज करवाने में बहुत टाइम, इसी के लिए मैं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में अभी लॉकडाउन की वजह से हमने ये सब सेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि 570 हम लोग मिनिमम 6 to 8 सेशन लगेंगे, 570 का एक एक सेशन दो दो तीन तीन घंटे का होगा। तो 570 में अच्छा क्या बात है कि आपको अगर 570 ये करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। 570 का फीस क्या है कि बाहर जो है 70,000 रुपीज, 70 × 3 ओके तो 70,000 जो है उसका फीस है, और 25,000 या 30,000 इंस्टीट्यूट फीस लेता है। तो अभी लॉकडाउन कंडीशन है, लोगों का परिस्थिति बहुत खराब है, बहुत सारे लोगों का जॉब भी गया है, मुझे फोन भी आता है, मुझे पता है। इसके लिए आप वेस्ट मत करिए, पैसा वेस्ट मत करिए। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है जैसे कि क्यूसी टेक तो आप बिंदास करिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग घर पे स्टडी करिए और स्टडी करके एग्जाम दीजिए, ताकि आपका 25 से 30 हजार रुपया है वो बच जाए और आप इजीली 70,000 में आप एपीआई फिनिश कर सके। ओके, हाइड्रोजन इंड्यूस क्रैक का ये हमने बात कर लिया। अभी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फ्लूइड एएसएमई B31.3, हमने जब भी एएसएमई B31.3 किया था उस टाइम पे डिफरेंट टाइप के फ्लूइड हमने देखे थे, उसमें बहुत सारे सीवियर साइक्लिक फ्लूइड, नॉर्मल फ्लूइड, हाई प्रेशर फ्लूइड, डी कैटेगरी फ्लूइड, एम कैटेगरी फ्लूइड। ये फ्लूइड का मतलब क्या है कि भाई डी कैटेगरी का पाइपलाइन बनाते हैं, उसमें डी कैटेगरी का फ्लूइड फ्लो होता है, एम कैटेगरी में एम कैटेगरी वाला, हाई प्रेशर फ्लूइड सर्विस में हाई प्रेशर फ्लूइड सर्विस वाला, नॉर्मल फ्लूइड में नॉर्मल। सबका अपना अपना क्राइटेरिया है। अगर डी कैटेगरी रहेगा फ्लूइड तो उसका टेम्परेचर रहेगा -29 सेल्सियस से 186 सेल्सियस, ठीक है, और अगर एम कैटेगरी रहेगा तो 427 सेल्सियस से लेके 816 सेल्सियस, 816 सेल्सियस, ओके इतना टेम्परेचर रहेगा। अभी हाई प्रेशर फ्लूड में प्रेशर ज्यादा होगा, नॉर्मल फ्लूड में ये किसी में नहीं आएगा, और नॉर्मल फ्लूड में आएगा। अभी डी कैटेगरी फ्लूड एक जनरल आप समझ लीजिए कि भाई नाइट्रोजन है वो, अदरवाइज ड्रिंकिंग वाटर का पाइपलाइन है, उसको डी कैटेगरी फ्लूड बोले। क्यों? क्योंकि वो नॉन टॉक्सिक भी है और नॉन फ्लेमेबल भी है, तो उसी को डी कैटेगरी में दिया गया है। एम कैटेगरी में वो टॉक्सिक भी है और आपको प्रॉब्लम करता है ह्यूमन बॉडी टिश्यू पे, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को आप हाथ के ऊपर डालेंगे, थोड़ा सा हाथ के ऊपर डालेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि आपको बीचों बीच में सल्फ्यूरिक एसिड हॉल कर देगा, ह्यूमन टिश्यू को इन्फेक्ट करेगा, आपको ब्लड निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो टॉक्सिक भी है और फ्लेमेबल भी है, ठीक है, इसी की वजह से उसको एम कैटेगरी में डालते हैं। तो वो सब अपना अपना कैटेगरी है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, हम आगे बढ़ते हैं। ओसीवी वैल्यू, ओसीवी ओसीवी वैल्यू बहुत सारे लोगों को पता है 50 से 90, लेकिन ये 50 से 90 है क्या, उसको क्या जरूरत पड़ा है? तो हमको शौक ना लगे, वेल्डिंग मशीन है वो, हम जनरली क्या करते हैं, जनरली वो हैंड हाथ से पकड़ लेते हैं उसका टॉर्च को, उसका जो प्लग रहता है वहां पे हाथ डाल देते हैं। तो ओसीवी वैल्यू एक ऐसा वोल्टेज वैल्यू है कि वो सेफ्टी है उसके, अगर आपका मशीन 91 वोल्टेज दिखाता है तो आपको शॉक लगने का चांसेस है, स्मॉल शॉक लगने का। अगर आप 50 से 90 रखेंगे वोल्टेज, उस ओपन सर्किट वोल्टेज जब आपका वेल्डिंग मशीन बंद है उस टाइम पे आप वोल्टेज मेजर करेंगे तो 50 से 90 होना चाहिए। तो ओसीवी वैल्यू का मतलब ये हुआ कि आपको शॉक ना लगे, सेफ्टी के लिए ये रखा जाता है, इसी का वैल्यू 50 से 90। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं, वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो एग्जाम देता है, अगर IWE का एग्जाम देगा या C6 3.1 का एग्जाम देगा या फिर C6 3.2 का, जो भी है वेल्डिंग रिलेटेड जो भी एग्जाम देगा, कैनेडियन वेल्डिंग एग्जामिनेशन वो भी देगा, तो आपको वो प्रॉब्लम होगा, इसी सॉरी ये क्वेश्चन आएगा, तो ये याद रखिए। ओसी वैल्यू 50 से 90 रहता है, सीसी वैल्यू मतलब क्लोज वोल्ट, क्लोज सर्किट वोल्ट है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ ओलेट, तो विल्डोलेट, सोकोलेट, थ्रिडोलेट एंड निपोलेट। लोगों ने देखा होगा विल्डोलेट कैसा होता है, सोकोलेट कैसा होता है, थ्रिडोलेट और निपोलेट, डिफरेंट टाइप के, उसमें भी ये तो मैंने खाली चार ही लिखा है, बाकी बहुत सारे हैं, विल्डोलेट, सोकोलेट, थ्रिडोलेट, निपोलेट और बहुत सारे आगे आते हैं, वो एक बार B31.3 आप देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, उसमें आपको ज्यादा पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द पी नंबर इन SS एंड CS, कार्बन स्टील के लिए हमारा P1 है, अलॉय स्टील के लिए, लोअर इसके लिए P3, लोअर के लिए P4, P5A, P5B, P15E, वो सब हाई अलॉय के लिए है, और स्टेनलेस स्टील के लिए P8 है, और निकल बेज अलॉय के लिए 41 से निकल क्रॉक के लिए 34, ऐसा करके सबका पी नंबर दिया गया है, जिसका दिया है सेक्शन 9 आर्टिकल 4 में, ठीक है, आर्टिकल 4 में वहां पे दिया गया है पूरा, कि भाई उसका एक पूरा बहुत सारा लंबा छोटा टेबल दिया है। सप्लीमेंट्री वेरिएबल किसको बोलते हैं, तो कि जो भी वेल्ड मेटल प्रॉपर्टी है उसकी टफनेस प्रॉपर्टी पे इफेक्ट करता है, वेल्ड मेटल जो है उसकी टफनेस प्रॉपर्टी पे इफेक्ट करेगा, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे हीट इनपुट, इंक्रीजिंग हीट इनपुट, अगर हीट इनपुट कुछ फिक्स है, उससे आप ज्यादा हीट इनपुट से बिल्डिंग मारते रहेंगे तो मेटल के ऊपर हीट ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, और हीट ज्यादा प्रॉब्लम करेगा तो उसकी टफनेस प्रॉपर्टी पे इफेक्ट आएगा, तो उसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री वेरिएबल, ठीक है। तो एसेंशियल वेरिएबल, एसेंशियल वेरिएबल किसको गया है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि हार्डनेस के ऊपर इफेक्ट करना, फिर बेंड टेस्टिंग के ऊपर इफेक्ट करना, फिर ये उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट करना, मैक्रो माइक्रो के ऊपर इफेक्ट करना, वो सब जो है उसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी के इफेक्ट कर रहा है, इसके लिए एसेंशियल वेरिएबल, ठीक है। एसेंशियल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल ताकि मैकेनिकल प्रॉपर्टी का वेल्डमेंट जो है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, एसेंशियल वेरिएबल। एसेंशियल वेरिएबल फॉर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में एसेंशियल वेरिएबल क्या है, तो चेंज इन वेल्डिंग, देखो परफॉर्मेंस मतलब WQT, वेल्डर, वेल्डर जो वेल्डिंग मारता है उसके एसेंशियल वेरिएबल कैसा होता है, तो अ चेंज इन वेल्डिंग कंडीशन विच विल अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ वेल्डर डिपोजिशन साउंड वेल्ड मेटल, डिपोजिट साउंड वेल्ड मेटल, साउंड वेल्ड मेटल जो वेल्डर डिपोजिट करता है उस टाइम पे जो वेरिएबल इफेक्ट करता है वेल्डिंग साउंडनेस के ऊपर, उसको बोलते हैं एसेंशियल वेरिएबल फॉर परफॉर्मेंस। नॉन एसेंशियल वेरिएबल खाली वेल्ड मेटल साउंडनेस जो है, वेल्ड साउंडनेस जो है उसी के ऊपर इफेक्ट करेगा, उसको नॉन एसेंशियल वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। ये सप्लीमेंट एसेंशियल वेरिएबल कैसे वेरीफाई करेंगे, तो दो उसके मेथड है, ड्रॉप वेट मेथड और 4P इंपैक्ट विनोच टेस्ट, ठीक है, 4P इंपैक्ट विनोच टेस्ट, वो उसका डिफरेंट डिफरेंट नाम है, ASTM में भी दिया गया है, तो आप ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा, लेकिन आपको ये एक इंटरव्यूअर अगर इंटरव्यू लेता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रॉप वेट टेस्ट और 4P विनोच टेस्ट, वो दो टेस्ट है फॉर इंपैक्ट टफनेस प्रॉपर्टी चेक करता है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वेल्डर का क्वालिफिकेशन जो लिमिट है वो क्या है, तो मतलब उसकी वेरिएबल क्या है, तो बेज मेटल है, पी नंबर है, थिकनेस है, और फिलर मेटल जो है वो है, एफ नंबर, पाइप डायामीटर है, पोजीशन क्वालिफिकेशन लिमिट है, वेल्ड मेटल थिकनेस क्वालिफिकेशन लिमिट है, बेज मेटल में P1, अगर P1 में क्वालिफाई हुआ वेल्डर तो P1 से P15F, P34 और P41 से 49 उतने तक वो क्वालिफाई होता है। P1 में कार्बन स्टील में क्वालिफाई होगा तो अगर P नंबर हो P8 भी मार सकता है, P8 मतलब SS भी मार सकता है, बाकी के वेरिएबल को आप कांस्टेंट गिनते हैं तो बाकी वहां पे डिल्यूशन ऑफ बेकिंग वो भी चेंज हो जाता है, तो वो आपको देखना है। फिलर मेटल F नंबर, जो F नंबर के बारे में भी हमने कल डिस्कस किया, पाइप डाया में अगर 25 डाया से नीचे वेल्डिंग मारता है तो जितना मारा उतना क्वालिफाई होगा, मैक्सिमम अनलिमिटेड होगा, 25 से 73 डाया के बीच में कोई भी पाइप मारेगा तो मिनिमम वो 25 डाया क्वालिफाई होगा, मैक्सिमम अनलिमिटेड होगा, 73 डाया से अप मारेगा तो वो मिनिमम 73 डाया मार पाएगा और मैक्सिमम अनलिमिटेड मार पाएगा। वेल्ड मेटल थिकनेस क्वालिफिकेशन लिमिट, थिकनेस क्वालिफिकेशन लिमिट में 2T आपको बोला है कि 13 mm थिकनेस से बिलो वेल्डिंग मारेगा तो 2T वो क्वालिफाई होता है, 13 mm से ज्यादा लेकिन मल्टीपास में वेल्डिंग मारेगा तो मैक्सिमम क्वालिफाई होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7018 का केमिकल कंपोजिशन, बहुत सारे इंटरव्यू जिसका 10 साल का 5 साल का ऊपर एक्सपीरियंस हो जाता है उसको ये क्वेश्चन जनरली इंटरव्यू पूछता है, 7018 का केमिकल कंपोजिशन बोलो, तो ये केमिकल कंपोजिशन कहाँ दिया है, SME सेक्शन 2C SFA 5.1 में दिया है, तो आप देख सकते हैं कार्बन जो है, इसका याद रखने का ट्रिक समझाता हूँ, आपके हिसाब से आप दूसरी तरह से भी याद रख सकते हैं, मैंने कैसे याद रखा मैं बोलता हूँ, कार्बन है वो 0.15 है, ठीक है, कार्बन 0.15,
फिर मैंगनीज नहीं जाएगा, उसका एक पॉइंट शिफ्ट कर दीजिए 1.6, ठीक है, एक पॉइंट शिफ्ट कर दीजिए। सिलिकॉन है वो जो मैंगनीज हमने लिया उसका डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, मतलब 0.75। फॉस्फोरस है उसका डिवाइड बाय 2, सिलिकॉन के बाद उसका डिवाइड बाय 2 करेंगे तो फॉस्फोरस और सल्फर आएगा। निकल है उसके साथ में ही है, क्रोम मोली वो सब है 0.20 0.20 0.30, ठीक है। वैनेडियम आपको याद रखना है 0.08। तो कार्बन 0.15, मैंगनीज 1.6, सिलिकॉन 0.75, फॉस्फोरस 0.0735 और सल्फर 0.035। फॉस्फोरस एंड सल्फर ऑल टाइम साथ में रहता है, वो इंप्यूरिटीज है, ठीक है, इसके लिए आप दोनों साथ में याद रख सकते हैं। निकल जो है 0.30 और मोली 0.30 और क्रोम जो है 0.20 और वैनेडियम 0.08। कार्बन जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ाता है, मैंगनीज है वो टफनेस बढ़ाता है, सिलिकॉन है वो इसको क्या बोलते हैं डिऑक्सीडाइजर है, फॉस्फोरस एंड सल्फर जो है वो इम्प्यूरिटीज है, निकल है वो लो टेम्परेचर एलिमेंट है। जैसे कि मैं आपको एक बात करता हूँ, चिमनी है, चिमनी में ज्यादातर निकल ज्यादा डाला जाता है, क्यों, क्योंकि चिमनी में जब गैस फ्लो होता है तो उस टाइम पे गैस हॉट होता है, तो चिमनी के अंदर ही जल ना जाए, वो गैस को ऑक्सीजन मिलेगा अगर चिमनी के अंदर और वहां पे ही जल ना जाए, इसके लिए निकल क्या करता है, वो पूरा मेटल उसका मैन्युफैक्चरिंग ऐसा होता है कि निकल अगर हम ज्यादा डालते हैं तो मेटल का टेम्परेचर लो रखता है, तो जैसे ही वो गैस उसके साथ में टच होकर फ्लो करता है तो गैस का टेम्परेचर भी थोड़ा नीचे फॉल होगा, ठीक है, कम रहेगा, तो इसी के लिए निकल फ्लेयर लाइन है उसमें निकल ज्यादा डाला जाता है। क्रोम है वो कोरोजन रेजिस्टेंट है, जैसे बॉडी का चमड़ी है वो हमको बाहर के प्रोटेक्ट करता है, बाहर के एटमॉस्फेयर से हमको प्रोटेक्ट करता है, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है, और हमको कुछ घाव लग गया तब भी हमको चमड़ी हमारा प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही क्रोम है वो मेटल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, रेजिस्टेंस है वो, कोरोजन रेजिस्टेंस है तो वो भी एक प्रोटेक्ट करता है। जितना क्रोम ज्यादा है उतना अच्छा है, लेकिन उतना कॉस्ट भी ज्यादा रहता है, ठीक है। क्रोम बहुत बेस्ट है, सबसे बेस्ट क्रोम है, उसका आपको बोला मैं एक्टिव टेम्परेचर 400 से 800 है। मोली जो है वो टफनेस प्रॉपर्टी बढ़ाता है और क्रीप रेजिस्टेंस है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेनेडियम है वो स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डिसिमिलर मेटल बेल्ट, डिसिमिलर मेटल मतलब क्या हुआ कि आपका दो मेटल है वो दोनों मेटल का केमिकल कंपोजिशन अलग है, पी नंबर दोनों का अलग है, तो उसको डिसिमिलर मेटल वेल्डिंग बोलेंगे। कार्बन स्टील टू स्टेनलेस स्टील तो उसको डिसिमिलर मेटल बोलेंगे, स्टेनलेस स्टील टू निकल अलग तो उसको डिसिमिलर मेटल बोलेंगे, कार्बन स्टील टू निकल अलग तो उसको डिसिमिलर मेटल बोलेंगे। दोनों का पी नंबर अगर चेंज हो जाता है तो उसको मोस्टली डिसिमिलर मेटल बोलते हैं वेल्डिंग मारने के टाइम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन द रिमोट कंडीशन करंट कंट्रोल आर यूज इन फील्ड वेल्डिंग, तो रिमोट कब यूज होता है, रिमोट देखना बहुत जो पुराने आपने वेल्डिंग देखा होगा कि बहुत दूर रहता है तो उसमें एक रिमोट रहता है साथ में, तो एक वेल्डर हम वेल्डर को हेल्पर देते हैं भाई, तो वेल्डर का हेल्पर रहेगा वो क्या करेगा, वेल्डर बोलेगा थोड़ा कम करो ज्यादा करो कम करो ज्यादा करो, तो उस वेल्डर का हेल्पर जो है वो कंट्रोल करेगा वेल्डर का करंट को, तो उसी को बोलते हैं वो रिमोट जब वेल्डिंग होता है उस टाइम पे ये यूज होता है। अभी मॉडर्न डेज में ऐसा नहीं होता है, मॉडर्न डेज में जनरली मशीन में ही ऐसा सेटअप आ गया है कि जनरली ऐसा सेटअप आ गया है कि आपको अभी ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन पुराने डेज में हम ये यूज करते थे, और अभी भी कुछ कंपनियां है कि ओल्ड कंपनियां है जिसको कॉस्ट कंट्रोल करना है वो सब ये अभी भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी व्हाट इज द डिफरेंट फैक्टर ऑफ द कॉज ऑफ HICC, HICC का मैंने ऑलरेडी बताया 15 ml, अगर 100 ग्राम में 15 ml ज्यादा हाइड्रोजन है तब भी वो हाइड्रोजन क्रैक आएगा, 0.5 से ज्यादा है तब भी, 300 ml से नीचे टेम्परेचर तब भी, और 400 से ज्यादा हार्डनेस है तब भी आपको आने का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, एडवांटेज इन आर्गन एंड हीलियम शील्डिंग गैस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए हीलियम एंड आर्गन का दोनों का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है मैं बोलता हूँ। आर्गन यूज करने से हमको गुड आर्क स्टेबिलिटी मिलता है। आर्क स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि एकदम स्मूथ वेल्डिंग होगा, एकदम स्मूथ आर्क ब्लो होगा, वो अगल बगल में एटमोस्फेरिक का जो है वो अंदर ऑक्सीजन को घुसने नहीं देगा, और जैसा ही वेल्डर चाहे अपने मन चाहे मक्खन जैसा वेल्डिंग रहेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं गुड आर्क स्टेबिलिटी, ठीक है। गुड क्लीनिंग एक्शन, एकदम क्लीनिंग हो जाएगा, आपको कुछ भी क्लीनिंग करना है वगैरह, कचरा वचरा फंसा है तो तुरंत वो बाद में क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा उसको बोलते हैं गुड क्लीनिंग एक्शन। आर्गन यूज करने की बात करो, अगर ये आर्गन यूज किया तो फिर बाद में मैं बोलेगा हीलियम यूज किया तो क्या होगा, ठीक है। आगे गुड आर्क स्टेबिलिटी जो अभी मैं समझाया, फोकस इन आर्क कॉन, फोकस्ड आर्क कॉन, ठीक है, आर्क का कॉन प्रॉपर फोकस होगा और प्रॉपर तरीके से जनरेट होगा। लोअर आर्क वोल्टेज,
आर्क वोल्टेज भी इसका लेवर लोअर है, तो वो भी एक फायदा है। 10 से 30 CFM क्यूबिक फीट पर आवर्स, तो आप 10 से 30 रखते हैं। WPS में आपने देखा होगा कि भाई फ्लो कितना रखना है, आर्गन का फ्लो कितना रखना है, तो जनरली 10 से 30 के फ्लो के अंदर पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब बहुत अच्छी बात है आर्गन में, ठीक है। फिर आएगा हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी देखो, अभी आपने देखा होगा कि भाई स्टेनलेस स्टील का पाइप है, उसमें पर्जिंग के लिए जनरली हम आर्गन को ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाई डेंस है, वो एयर से हाई डेंस है। इसी की वजह से क्या होगा, जैसे ही जहां पे भी आर्गन जाएगा वहां से ऑक्सीजन को और एयर को तुरंत भगाएगा, वहां से वो अपनी जगह कवर करेगा। एक पाइप है, क्लोज पाइप, लंबा पाइप है, 10 मीटर का पाइप है, एक साइड से हमने ढक्कन से बंद कर दिया, दूसरी साइड से हम आर्गन डालेंगे, बीच में अगर एक ज्वाइंट है, तो क्या होगा, अंदर से जितना भी एयर है उसको निकाल देगा। क्यों? क्योंकि एयर से ये आर्गन है वो डेंस है, ज्यादा भारी है, तब वो क्या करेगा, वहां पे वो आर्गन बैठता जाएगा। एक 24 इंच का पाइप है, ठीक है, उसमें आपने पर्जिंग किया, तो क्या होगा, सबसे पहले धीरे 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 ऊपर से और टॉप फ्लोर पे एक जॉइंट है और जीरो पोजीशन पे हम वॉल कर देंगे, तो वहां से जो एयर है वो निकलता जाएगा। एयर निकलने से क्या होगा, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमने अंदर आर्गन डाल रहे हैं, हम आर्गन फ्लो करवा रहे हैं, सिलेंडर अंदर आर्गन का चढ़ा दिया हमने, तो मतलब फ्लो किया है आर्गन का, तो क्या होगा, आर्गन जो है वो पाइप के अंदर धीरे धीरे पहले नीचे बैठेगा, फिर ऊपर भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा एयर को निकालेगा और वही पूरा अपना खुद का जगह कवर कर लेगा। तो उसी की वजह से हम पर्जिंग के लिए आर्गन को यूज करते हैं। और आप याद रखिए, आर्गन को ऑल टाइम टॉप पोजिशन पे ही चेक करिए। किसी का आवाज आ रहा है सर, बंद कर दीजिए प्लीज। ओके, हम ये आर्गन जो है ऑल टाइम टॉप पोजीशन पे ही चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि हम नीचे की पोजीशन में चेक करेंगे तो वहां पे तो हमको आर्गन मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो डेंस है, वहां पे तो ऑलरेडी होगा। होने का कम चांस कहाँ है, टॉप पोजीशन में। टॉप पोजीशन में क्या होता है, आर्गन भरते 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 धीरे धीरे ऊपर तक आएगा, तब तक वो ऊपर का जो पोजीशन है वहां भरने में उसको टाइम लग जाएगा। इसके लिए जनरली हम लोग पर्जिंग चेक करते हैं तो जीरो पोजीशन में ही चेक करते हैं, ठीक है, इसी का ये रीजन है। और वो हाई डेंस है, वो हमारे लिए भी फायदा। लेस पेनेट्रेशन, थोड़ा पेनेट्रेशन कम है क्योंकि वो कोल्डर है। अभी दूसरा हीलियम गैस का क्या है, फास्टर ट्रैवल स्पीड। ट्रैवल स्पीड फास्ट है, क्यों? क्योंकि हीलियम है, थोड़ा वाटर है। वाट अगर है, आप वाट वेल्डिंग यूज करेंगे, ऑलरेडी वेल्डिंग तो गर्म है ही, वेल्डिंग का टॉर्च तो ऑलरेडी हीटिंग प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस कर ही रहा है, लेकिन आप जैसे ही वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे आर्गन सॉरी हीलियम भी आएगा, तो हीलियम तो और थोड़ा वाटर तो मतलब और गर्म करेगा मेटल को। इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए आपको फास्टेस्ट ट्रैवल स्पीड लेना पड़ेगा, वरना वहां पे मेटल इतना सारा डिपोजिशन होगा कि आपको प्रॉपर अचीवमेंट नहीं होगा वेल्डिंग मेटल, समझ रहे हैं ना, वहां पे डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा, तो वो भी एक रीजन है। हाई पेनेट्रेशन, पेनेट्रेशन हाई पेनेट्रेशन आने का रीजन ही यही है, क्योंकि वो वाटर है, वाटर है तो वेल्डिंग जैसे मारेंगे तो वो वाट की वजह से अंदर तक घुसेगा हीलियम, तो इसी की वजह से अंदर तक पेनेट्रेशन जाएगा, तो वो भी एक रीजन। डिफिकल्टी आर्क स्टेबिलाइज, देखो ये हीलियम का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो आर्क स्टेबिलाइज कर नहीं सकता है, वो वाटर है, इसके लिए स्पैटर भी आने का चांसेस बढ़ जाता है। और इसी के लिए जनरल लोग क्या करते हैं, हीलियम अगर यूज करना कंपलसरी रहता है वहां पे थोड़ा आर्गन भी मिक्स कर देते हैं, इसी का एक रीजन है। आर्गन प्लस कभी कभी हीलियम के साथ नाइट्रोजन भी मिक्स करते हैं, तो वो एक रीजन है वो वाटर को थोड़ा कोल्ड करने का, ठीक है। ओके, अभी दूसरी बात, फ्लेयर्ड कॉन, मतलब एक फ्लेयर टाइप जनरेट होगा, वो ऑलरेडी मैं समझाया है, अभी मैं नहीं समझाएगा, वो एक लंबा है। हाई आर्क वोल्टेज, आर्क वोल्टेज उसका हाई रहता है और हायर कॉस्ट ऑफ देन आर्गन। क्यों? क्योंकि हीलियम जो है वो कॉस्टली मटेरियल है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अमेरिका है, रशिया है, वहां पे हीलियम ज्यादातर लोग यूज करते हैं, और एशियन कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है, वहां पे आर्गन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एटमोस्फियर वो कोल्ड हॉट एटमोस्फियर में आर्गन जो है जल्दी मिल जाता है, और कोल्ड एटमोस्फियर में हीलियम जल्दी मिल जाता है, तो और कोल्ड एटमोस्फियर में वो भी एक अच्छा है कि भी वाटर है, इसके लिए ज्यादा अच्छा वेल्डिंग भी होगा, तो इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ कोल्ड कंट्रीज है, जैसे कि रशिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, वहां पे ज्यादातर हीलियम यूज होता है, और एशियन कंट्री गल्फ कंट्रीज में आर्गन यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द जनरल ऑफ वेल्डिंग आर जॉइनिंग प्रोसेस। बहुत टाइप के जनरल टाइप ऑफ वेल्डिंग है, फ्यूजन वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, पावर बीम वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्मोमीटर वेल्डिंग, फ्रिक्शन फ्रैश एंड बहुत सारे वेल्डिंग है, ठीक है। इसमें ज्यादा मैं पढ़ना नहीं चाहता, ब्रेजिंग है, सोल्डरिंग है, वो ऑलरेडी हमने सेक्शन 9 में ये सब चेक किया है।
व्हाट आर द मेन मेटल ट्रांसफर मोड इन वेल्डिंग इन जीएमएडब्ल्यू में तीन टाइप के जनरली मेटल ट्रांसफर है, शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर, ड्रॉपलेट ट्रांसफर और टॉर्च ट्रांसफर। जल्दी से थोड़ी मैं बात कर लेता हूँ। शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर में क्या होता है, जो हमारा टॉर्च रहता है वो एकदम वर्कपीस के नजदीक रहता है और एक सेकंड में बहुत सारा ड्रॉपलेट ड्रॉप जो है वो गिरता है। मतलब एक ही समय आप आंखों से देख नहीं पाएंगे, आपको ऐसा ही लगेगा कि कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, ऐसा वेल्डिंग होगा। उसको शॉर्ट सर्किट मतलब एक दूसरे के साथ शॉर्ट जैसा ही रहता है, एक दूसरे के साथ टचिंग जैसा ही रहता है, इसके लिए शॉर्ट सर्किट। आप खाली जनरली समझने के लिए इतना समझ लीजिए, एक्चुअली मैं शॉर्ट सर्किट इतना बोल दे रहा हूँ, इसका मतलब 2 घंटे का पूरा सेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट सर्किट इतना ही है, ड्रॉपलेट है वो स्प्रे ट्रांसफर बोलते हैं, उसमें स्पेटर आने का चांसेस ज्यादा रहता है, उसमें CO2 जनरली यूज होता है, इसकी वजह से स्पेटर ज्यादा आता है, तो ये जनरली कम यूज करते हैं। और ज्यादा भी यूज कर डिपोजिशन अगर ज्यादा लेना है तो हम स्प्रे ट्रांसफर भी यूज कर सकते हैं, और शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर भी डिपोजिशन ज्यादा लेना है तो कर सकते हैं। पल्स ट्रांसफर में क्या होता है, 50-50 होता है। कभी एसी में जैसा देखा होगा, पहले डीसी पॉजिटिव, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसा करके होता है। तो मतलब ये पल्स ट्रांसफर का एक टाइप है, ठीक है। सीटीओडी मतलब क्रैक टिप ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट टेस्ट है, जो कि इंपैक्ट टफनेस चेक करने के लिए यूज होता है। जब हम चेक करते हैं तो अगर वो 0.1 से उसका क्रैक का साइज, हमने वो एक क्रैक बनाते हैं, ठीक है, सॉरी क्रैक नहीं, एक वी ग्रूव बनाते हैं। मैं कल दिखाया था क्रैक टिप डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक पीस लेते हैं, पीस में अंदर एक स्मॉल वी बनाते हैं सेंटर में, जिसका हमको टफनेस इंस्पेक्शन करना है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो टेस्ट पीस में वी बनाया, फिर उसमें एक क्रैक टिप ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट टेस्ट के लिए एक पिन डाला जाता है, उसको फुलाया, ऐसे लंबा किया जाता है, मतलब इसको छोड़ा किया जाता है। छोड़ा करने के टाइम अगर उसमें क्रैक जनरेट होता है 0.1 से बिलो का, तो उसका ब्रिटल बिहेवियर कैसा है वो पता चलेगा। अगर वो 1 mm से ज्यादा जाता है तो वो टफ बिहेवियर साबित होता है, ठीक है। तो वो एक अलग है, सीसीप में हमने ऑलरेडी किया है, लेकिन खाली इतना समझ लीजिए सीटीओडी क्या है, क्रैक टिप ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट टेस्ट है, जो यूज होता है इंपैक्ट टफनेस प्रॉपर्टी के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, ठीक है। हीट इफेक्टर जोन इंपॉर्टेंस ऑफ हीट इफेक्टर जोन, हीट इफेक्टर जोन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो के कूलिंग रेट इज हाई, हीट इफेक्टर जोन में कूलिंग रेट हाई होता है, ठीक है, इसी की वजह से हम प्री हीटिंग करते हैं। कूलिंग स्लो डाउन ऑफ कूलिंग रेट की करने की वजह से ही हम प्री हीटिंग करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कूलिंग रेट उसका हाई रहता है, तो हमको हाई कूलिंग रेट से क्या होगा, मेटल को एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने में टाइम ही नहीं मिलेगा, इसी के लिए वो उसका साइज जो है वो बड़ा बड़ा रह जाएगा और ऐसे ही वो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, इसी की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है। इसके लिए हीट इफेक्टेड जोन में मेटल साइज बड़ा होता है, और उसका रीजन क्या है, कूलिंग रेट इज हाई, कूलिंग रेट हाई होता है, ठीक है। ग्रैन साइज बिगर, मैं अभी बोला आपको समझाया, ग्रैन साइज उसका वहां पे बड़ा बड़ा होता है। प्रोन टू IGC इन SS, इसका IGC का मैं इंटरग्रेन्युलर कोरोजन ऐसा करके होता है, ठीक है, इंटरग्रेन्युलर कोरोजन, SS में ज्यादातर इंटरग्रेन्युलर कोरोजन, कोरोजन जो SS में आता है वो हीट इफेक्टेड जोन में ज्यादातर होता है, उसका रीजन भी आपको मैं बोला है ऑलरेडी। दी दे कैन अफेक्टेड बट नॉट मेल्टेड, ओके, ये भी है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यहाँ पे मैं गलत लिखा है, वहां पे मुझे लो टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखना चाहिए, ठीक है, ये गलत है मेरा, वो थोड़ा आप देख लीजिएगा, मैं नेक्स्ट इसका बनाएगा तो उसमें ये चेंज कर देगा। मटन साइज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर वहां पे हार्ड हो जाता है, वो भी एक मसला है, मटन साइज स्ट्रक्चर होता है, मटन साइज मतलब स्ट्रक्चर हार्ड हो जाना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, वॉट आर मेन कंडीशन विच डिटरमाइन द माइक्रोस्ट्रक्चर इन वेल्ड मेट एंड हैंस प्रॉपर्टी। तो मेन कंडीशन वेल्ड मेटल का जो मेन कंडीशन क्या है कि माइक्रोस्ट्रक्चर को वो प्रॉपर्टी हमको पता चल जाएगा, तो प्री हीटिंग, हीट अफेक्टेड जोन और CEV और कूलिंग रेट, ये सब में आप देखा होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एक्चुअली तो हीट इनपुट ही है। देखिए प्री हीटिंग मतलब स्लो डाउन ऑफ कूलिंग रेट करने के लिए, मतलब प्री हीटिंग अगर नहीं किया तो जल्दी से कोल्ड हो जाएगा, मतलब हीटिंग हीट इनपुट जो है एकदम से बढ़ के एकदम से कम हो जाएगा, वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है उसके माइक्रोस्ट्रक्चर में। हीट इनपुट अगर बढ़ जाएगा तब भी उसका जल्दी कोल्ड हो जाएगा तो वो भी एक प्रॉब्लम है। CE वैल्यू ज्यादा है उतना उसका माइक्रोस्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है CE वैल्यू में, क्योंकि कार्बन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कार्बन जितना ज्यादा है उतना ही माइक्रोस्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, मटेरियल हार्ड होने का चांसेस है। कूलिंग रेट जो है वो भी होना चाहिए, ठीक है, वो भी एक मसला है। नेम ऑफ द डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस, वो हमने ऑलरेडी बोला, OFW, ठीक है, SMAW, PAW, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सिलेंडर मेटल आर्क वेल्डिंग,
का मतलब तो अभी मैं देखना पड़ेगा सेक्शन 9 में, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, SAW, FCA, फ्लक्स कोर आर्क, फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा वेल्डिंग, हाँ सॉरी प्लाज्मा वेल्डिंग। OFS का मतलब है हमने देखा था वो पहला ही है स्टार्टिंग उसका एसेंशियल वेरिएबल सेक्शन 9 में स्टार्टिंग ही वो ऑक्सी फ्लूइड वेल्डिंग, यस ऑक्सी फ्लूइड वेल्डिंग वो सब है। और फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग, GTAW मतलब गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, लेसर बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग, ठीक है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग प्रोसेस है। वो हमको कौन से किसमें यूज करना है वो हमको देखना है और आगे बढ़ना है। लेकिन उसको इतना तो पता, कम से कम जनरली इंटरव्यूअर क्या पूछता है, पांच नाम बोलो वेल्डिंग, फाइव नेम प्लीज टेल मी फाइव नेम ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, तो हमको कम से कम फाइव नाम तो पता होना चाहिए। SAW, GTAW, SAW, GMAW, लेसर बीम वेल्डिंग, स्टड वेल्डिंग, वो सब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, SAW का एक लिमिटेशन क्या है, क्योंकि SAW का एक लिमिटेशन है टाइटेनियम और जिकोनियम में वो यूज जनरली नहीं होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो स्लाइटली एक्टिव तत्व है, रिएक्टिव तत्व है, तो उसमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस वेरिएबल कहाँ लिखा है, तो कि आप एक लाइन में याद रखिए JBFPPP और GET, इतना एक लाइन में याद रखिए। QW402 ये आपको जनरली बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई वेल्डिंग वेरिएबल बोलो, जनरली पूरा वेरिएबल तो नहीं बोलते लेकिन इतना लाइन में बोल जाएंगे, ज्वाइंट है वो वेरिएबल है, बेस मेटल वेरिएबल है, फिलर मेटल वेरिएबल है, पोजिशन प्री हीट पोस्ट वेल्डिंग ट्रीटमेंट गैस इलेक्ट्रिक एंड टेक्निक, इतने वेरिएबल अगर बोल दिया तो खलास वो ज्यादातर इंटरव्यू घुसेगा नहीं अंदर। ठीक है इतना आपको पता होना चाहिए। उसका कहाँ लिखा है, QW402 से स्टार्ट करने का, 402, 403, 405, 405, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक ये सब लिखा है। और ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग के लिए QW352 लिखा है, 352 सेक्शन 9 डिवीजन, सॉरी सेक्शन 8, सॉरी ना 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 सेक्शन 9 में आर्टिकल 4 में ये सब लिखा है। ठीक है आप देखेंगे तो आपको ज्यादा, आर्टिकल 3 में लिखा है आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, और आगे का वेरिएबल है वो आर्टिकल 4 में लिखा है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द 5 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिलेटेड वेल्डिंग एंड NDE, वेल्डिंग के लिए कौन से 5 स्टैंडर्ड है जिसमें NDE और वेल्डिंग दोनों रिलेटेड है। तो सेक्शन 2C जो हमने पूरा लाइन बाय लाइन किया थोड़े पहले सेशन में, सेक्शन 5 वो भी लाइन बाय लाइन किया उसमें भी, वो भी एक वेल्डिंग और NDT का ही है। सेक्शन 8 जो अभी हमने नहीं किया है, लॉकडाउन बढ़ेगा मेरा जॉब चालू नहीं होगा तो हम करेंगे। B31.3 ऑलरेडी हमने लाइन बाय लाइन किया है। B31.4 जो कि लाइन पाइपिंग के लिए है, ठीक है लाइन पाइपिंग के लिए है, वो हमने नहीं किया। सेक्शन 8, सेक्शन 9 वो भी हमने फिनिश किया। तो ये 5 जो है सेक्शन आपको पता होना चाहिए जो कि वेल्डिंग और NDT रिलेटेड है। और इसमें ये नहीं बोल सकते क्योंकि API 1104 भी आता है, API 570 भी आता है, API 510 भी आता है, बहुत सारे हैं, लेकिन ASME का अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है तो ये ASME के सेक्शन 2C, सेक्शन 5, सेक्शन 8, B31.3, B31.4 और सेक्शन 9। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द LTCS, तो बहुत है कि LTCS क्या है, तो LTCS का टेम्परेचर है -46 पे होता है। ठीक है ओके, हाउ द मेजर द थ्रॉट साइज ऑफ द फिलेट वेल, तो हम लोग थ्रॉट थिकनेस का हमको एक फार्मूला है वो पता होना चाहिए। थ्रॉट थिकनेस इज इक्वल टू 0.707 इनटू लेग लेंथ, अथवा लेग लेंथ इज इक्वल टू 0.142 इनटू थ्रॉट थिकनेस। ठीक है वो एक फार्मूला है उसके हिसाब से। ओके इंपैक्ट टफनेस टेस्ट इन LTCS कंज्यूमेबल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लोग हाइड्रोकार्बन कंपनीज में काम कर रहे हैं जहां पे हाइड्रोकार्बन जहां पे पाइपिंग होता है वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई LTCS कंज्यूमेबल है उसका इंपैक्ट टफनेस कितने टेम्परेचर पे होता है, तो आपको क्लियर वर्ड बोलना है -45 डिग्री सेल्सियस तक होता है LTCS, लो कार्बन लो टेम्परेचर कार्बन स्टील। ठीक है ओके LTCS के बारे में मैं थोड़ा ऊपर चली बात कर देता हूँ। LTCS जो है वो जनरली बहुत उसका हीट इनपुट का प्रॉब्लमेटिक आता रहता है, ठीक है क्योंकि इसमें इंपैक्ट -45 पे रहता है। इसके लिए हम यहाँ पे जनरली 7018 यूज नहीं कर सकते, 7018 है वो -30 डिग्री तक ही इंपैक्ट प्रेजेंट करता है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, 7018-1 करके एक इलेक्ट्रोड आता है वो यूज करना चाहिए LTCS में। ठीक है आगे बढ़ते हैं, फेराइट नंबर जो है वो स्टेनलेस स्टील के लिए कितना होता है, तो जनरली जो हमारा प्रोसेस है जनरली क्लाइंट जो है जनरली हमारा एंड यूजर है वो ऐसा बोलता है कि हमको 3 से 8 के बीच में फेराइट नंबर मिनिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा या कम रहेगा तो नहीं चलेगा, लेकिन कोड बोलता है 3 to 10। ठीक है जनरली लेकिन क्लाइंट 3 to 8 बोलता है। तो आप
याद होना चाहिए, 3 to 10 आप बोलेंगे तो आपका कोई कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकता आपको। फेरेट नंबर कोई बहुत सारे लोग कम घुसे हैं, फेरेट नंबर मेजर करने के लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तरीके हैं। सेक्शन 2C में दिखा है कि एक कॉपर का प्लेट लेना है, कॉपर के प्लेट के अंदर वेल्डिंग मारना है, फिर कॉपर के प्लेट को हटा देना है, फिर फिनिशिंग करना है, फिर उसमें फेरेट नंबर चेक करना है। बहुत सारे इसके मेथड है वो चेक करने के लिए, लेकिन आप खाली इतना समझ लीजिए ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील के लिए फेरेट नंबर 10 to 10 है, 3 to 10 है। ओके, अभी GTAW कहाँ कहाँ यूज होता है तो आपको पता है, जहाँ सेट ऑन नोजल होता है, सेट इन नोजल होता है, वहां पे जनरली GTAW यूज होता है। एसेंशियल वेरिएबल फॉर पोस्ट वेल ट्रीटमेंट के क्या क्या है, तो हीटिंग रेट, कूलिंग रेट, पाइप थिकनेस, पी नंबर एंड एडिशनल हीटिंग जोन। क्योंकि पी नंबर चेंज हो जाएगा तब भी पोस्ट वेल ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। जैसे कि P1 जो है उसमें भी हीट नंबर, हीट पोस्ट वेल ट्रीटमेंट अलग है, हीटिंग रेट भी उसका अलग है, कूलिंग रेट अलग है। और वैसे ही अगर T4 की बात करें तो उसमें भी ये सब चीज चेंज हो जाएगा, इसी के लिए यहाँ पे उसको एसेंशियल वेरिएबल बोल दिया है कि हीटिंग रेट, कूलिंग रेट। ओके, पाइपिंग थिकनेस, थिकनेस बढ़ेगा तब भी उसका आपका टाइम बढ़ जाएगा, सॉकिंग टाइम बढ़ जाएगा, इसके लिए यहाँ पे पाइप थिकनेस भी डाला। पी नंबर, P1 से P8 तक जाएंगे तब भी वो पोस्ट वेल ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। एडिशनल हीटिंग जोन, हीटिंग जोन भी एडिशनल उसका चेंज होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सॉकेट वेल्ड शेल बी एटलीस्ट 2 पास, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया में ये नहीं होता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, बहुत कम कंपनी में जैसा होता है। सॉकेट वेल्ड जनरली वेंडर क्या करता है, जब स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट होता है तब क्वालिटी इंस्पेक्टर प्रॉपर ध्यान रखता है, उस टाइम पे तो मल्टी पास मरवाता है। सॉकेट वेल्डिंग जो मारते हैं स्मॉल डाया का, 1/2 इंच का हो, 1 इंच का हो या 2 इंच का, जो भी है, उसमें जनरली वेल्डर क्या कर देता है, एक ही पास में वेल्डिंग फिनिश कर देता है। क्योंकि उसमें तो 3 फिलेट होता है, 3 फिलेट तो एक ही पास में आ जाएगा, तब वेल्डर ऐसा सोचेगा कि मुझे ज्यादा वेल्डिंग ना मारना पड़े, शांति से आराम करेगा और टाइम पास करेगा, ऐसा सोचता है। इसी की वजह से जनरली एक पास मार देता है, लेकिन कोड क्लियर बोलता है कि मल्टी पास मारना चाहिए। आपको कहां लिखा है ये सब चीज, ये सब चीज B31.3 चैप्टर नंबर 3 में लिखा है, चैप्टर नंबर 4 में लिखा है, ठीक है। मटेरियल करके एक चैप्टर है, उसमें लिखा है कि आपको मिनिमम 2 पास मारना चाहिए। और दूसरी बात, प्रेशर कंटेनिंग जो भी वेल्ड मेटल होता है उसमें भी मिनिमम 2 पास मारना चाहिए, मैक्सिमम जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिंगल पास तो आपको मारना ही नहीं चाहिए, ठीक है, सिंगल पास इज प्रोहिबिटेड। आगे बढ़ते हैं, PMI करते हैं तो हम कितना तक एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो मैं एग्जांपल के तौर पे साथ समझाता हूँ। आप एक इलेक्ट्रोड आया 8018C3 इलेक्ट्रोड, बाहर की हिसाब कंपनी में हमने ऑर्डर दिया, फिर एलएनटी ने ऑर्डर दिया, एलएनटी के अंदर आया, आने के बाद हमको वो उसका केमिकल कंपोजिशन चेक करना है। तो केमिकल कंपोजिशन हम कैसे चेक करेंगे, 2 तरीका का मेथड है, एक तो वेरीफाई करके सेक्शन 2C के आप साथ में खोला रखेंगे, और उसका वो जो केमिकल एनालिसिस जो उसके केमिकल का सर्टिफिकेट है वो भी खुला रखेंगे, और उसके साथ में हमारा जो वेल्डिंग मारते हैं उसमें कितना मिला है वो खुला रखेंगे, वो तीनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, इसके हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन वेल्डिंग अगर मार के अगर हम चेक करते हैं तो वेल्डिंग मारने चेक करने में हमको कितना एक्सेप्ट करना चाहिए, तो अगर वेल्ड का एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ±12.5%, अगर मटेरियल का चेक कर रहे हैं तो ±10%, ठीक है, इतना एक्सेप्ट करना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे समझा, तो 7018 आया, मैंने कार्बन उसमें मेजर किया 0.15, ठीक है, 0.15 वो सर्टिफिकेट के अंदर लिखा है 0.15, तो कोड में हमने मेजर किया, ओके, कोड के हिसाब से तो बराबर है, लेकिन आपको क्या पता कि वो सर्टिफिकेट में लिखा है वो कोड के हिसाब से छाप दिया है। तो इसके लिए आप जो केमिकल एनालिसिस चेक करते हैं उसमें एक टेस्ट पीस बनाते हैं, जो हमने सेक्शन 2C 5.1 में ऑलरेडी समझाया कि टेस्ट पीस कैसे बनाना, वो टेस्ट पीस का हाइट, लेंथ, विड्थ वो सब कितना रखना, मिनिमम 6 mm हाइट रखना है, और उसमें लेयर बाय लेयर वेल्डिंग मारना है, फिर उसमें PMI मशीन चेक करना है ऊपर रख के, फिर हमको केमिकल कंपोजिशन चेक करना है, ओके, इतना है। एग्जाम्पल के तौर पर 0.15 हमारा एज पर कोड चाहिए, लेकिन आया 0.10, तो एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, कैसे पता चलेगा, तो जो कोड में दिया है उसका +12.5 और ±12.5 ऐसा करके हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर कार्बन उसमें 0.30 है तो कैलकुलेट करेंगे तो 0.3 मिलेगा, ठीक है, 0.12.5 का 0.003 मिलेगा, तो आपको 0.3033 ऐसा करके एक्सेप्ट करना, मतलब मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन तो आपको कैलकुलेट यहाँ पे करके समझा नहीं सकता, लेकिन आपको इतना बता देता हूँ कि ±12% वेल्ड मेटल का जब आप इंस्पेक्शन करते हैं तब एक्सेप्ट होता है, ±10% अगर मटेरियल का किसी का इंस्पेक्शन करते हैं तो उतना एक्सेप्ट होता है, ठीक है। ये फंडा याद रखना है, ये फंडा इसके लिए याद रखना है, यहाँ पे इंडिया में जनरली ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, इंडिया में तो चलता है PMI वाला देखता है, PMI वाले ने ओके बोल दिया तो हम नीचे साइन मार देते हैं, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको ऑन जॉब पे उसका कैलकुलेट भी करना चाहिए, कैलकुलेट के हिसाब से वो मेटल एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है वो देखना चाहिए।
वो कहाँ लिखा है पीएमआई का ये सब चीज कितना परसेंट एक्सेप्ट होना है, वो एएसटीएम में लिखा है। अगर आप आराम को स्टैंडर्ड में जाएंगे तो एसआईएस ये 206 में लिखा है, ठीक है। ओके ओके, व्हाट इज द स्पेशल वेल्डिंग एक्टिविटी? देखो पाइपलाइन में स्पेशल वेल्डिंग एक्टिविटी ये जनरली बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, और एपीआई 570 है उसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि स्पेशल व्हाट इज द बिलो स्पेशल एक्टिविटी इन पाइपिंग प्रोसेस पाइपिंग वेल्डिंग, ऐसा करके आएगा तो उसमें से चार में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। ब्रांच कनेक्शन एक स्पेशल वेल्डिंग एक्टिविटी है, टाई इन जॉइंट स्पेशल वेल्डिंग एक्टिविटी है, स्लीव इंस्पेक्शन स्लीव इंस्टॉलेशन और स्पेशल वेल्डिंग एक्टिविटी है, हॉट टैप जो है वो भी एक स्पेशल एक्टिविटी है। हॉट टैप जनरली क्या होता है, टाई इन और हॉट टैप जनरली रनिंग जो प्लांट होता है उसमें इंस्टॉलेशन किया जाता है, ठीक है, तो वो भी एक स्पेशल एक्टिविटी है। टेम्परेचर टाई इन वो भी एक स्पेशल एक्टिविटी है। वो स्पेशल एक्टिविटी का बहुत सारा लंबा लंबा छोड़ा है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल कभी करवाएगा। इसका ब्रांच कनेक्शन का तो सबको पता रहता है, लेकिन टाई इन जॉइंट कैसे होता है, हॉट टैप इन रनिंग रनिंग कंडीशन एक है, एक प्रेशर जिसमें टेम्परेचर ज्यादा है और उसमें हमको हॉट टैप इंस्टॉल करना है, एक ड्रिल करके फिर हमको लगाना है, तो कैसे लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे प्लांट बंद नहीं कर सकते, प्लांट बंद करेंगे तो बहुत आपका कॉस्ट लॉस हो जाएगा। इसके लिए हॉट टैप का एक टेक्निक्स है, उसमें कैसे ड्रिल करते हैं, उसमें कैसे ऊपर पाइप लगाते हैं और वेल्डिंग मार के उसमें पंप सेटअप करते हैं, और रनिंग कंडीशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका कॉस्ट भी कंट्रोल हो जाएगा, तो वो एक स्पेशल एक्टिविटी है। इसके लिए यहाँ पे स्पेशल वेल्डिंग एक्टिविटी दिया गया। आगे बढ़ते हैं, ये सेमी कोड का फ्लेंज के लिए कौन सा कोड है, तो आपको ये पता होना चाहिए। मुझे ओमान का एक इंटरव्यू हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए आपको के फ्लेंज के लिए फ्लेंज फिटिंग जो है उसके लिए कौन सा कोड रहता है। अगर 24 इंच के नीचे का है तो ASME B16.5 करके है वो है, और दूसरा अगर 24 इंच से ज्यादा है तो आपको लार्ज डाया का फ्लेंज है तो आपको 16.47 ASME B16.47 कोड है, वो सभी का 100 पेज का या कोई 50 पेज का है, ठीक है, ये पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, फॉर वेरिफिकेशन ट्रेसेबिलिटी मटेरियल व्हाट इज द डिफरेंट प्रोसीजर आर यूज्ड? एक तो पीएमआई मेथड है, दूसरा कलर कोडिंग है, तीसरा आपको स्पूल में स्टैंपिंग देखना है उससे भी पता चल जाएगा, चौथा आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग में स्टेंसिलिंग किया है ड्रॉइंग और स्टेंसिलिंग किया है वो भी पता चल जाएगा। मतलब आपको कैसे पता चलेगा मटेरियल ट्रेसेबिलिटी, कभी कभी लोग छोटे पाइप रहती है छोटा ट्यूब रहता है उसमें कभी कभी ट्यूब के पीछे आपने देखा होगा स्टिकर चिपका देते, तो वो भी एक मटेरियल ट्रेसेबिलिटी का ही एक पार्ट है, भले ही इसमें नहीं लिखा है मैं आपको जस्ट बोल रहा हूँ। कभी कभी अगर थिकनेस ज्यादा है 6 mm थिकनेस से ज्यादा है तो उसमें स्टैंपिंग करते हैं, तो स्टैंपिंग से भी पता चल जाएगा कि हाँ ये मटेरियल है। स्टैंपिंग में सब चीज आ जाता है, मटेरियल का ग्रेड किस से लेके कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ सब चीज उसमें आ जाता है, ठीक है। कभी कभी कोई मार्कर से भी लिख देता है तो वो भी एक मेथड है। अगर आपको कुछ भी नहीं लिखा तो पीएमआई मेथड से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कलर कोडिंग है, येलो कलर है तो वो हमारा एसएस का है, ब्लू कलर है तो अलॉय का है, वो मतलब सबका अपना अपना कलर कोडिंग है, उसके हिसाब से भी हमको मटेरियल ट्रेसेबिलिटी पता चल जाएगा। एनसीआर क्या है? नॉन कंफर्मेशन रिपोर्ट। और डीआर क्या है? तो डेविएशन रिपोर्ट। दोनों में क्या फर्क है? डेविएशन मतलब ऐसा कि आपने कुछ कांड कर दिया है स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट में, ठीक है, वो ऐसा कांड है कि आपको नहीं करना चाहिए, वो स्पेसिफिकेशन में जो बोला है वैसे ही करना चाहिए, वैसे ही आपको इंस्पेक्शन करना चाहिए, वैसे ही आपको फेब्रिकेशन करना चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से आपने नहीं किया और अपना स्पेसिफिकेशन का डेविएशन किया, तो उसी को बोलते हैं डेविएशन रिपोर्ट। वो जो रिपोर्ट हम बनाएंगे क्लाइंट और ऑनर को देंगे उसको डेविएशन रिपोर्ट बोलते हैं। एनसीआर किसको बोलते हैं? तो कि जो बड़ा हो गया कांड तो हुआ है लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा कांड हो गया है, ठीक है, तो उसको नॉन कन्फर्मेशन रिपोर्ट बोलेंगे। नॉन कन्फर्मेशन रिपोर्ट जनरली अभी डेविएशन रिपोर्ट भी लोग अभी कम डालते हैं, डेविएशन रिपोर्ट तो यहाँ पे यूज होता ही नहीं है, जनरली यहाँ पे एनसीआर ही डालते हैं। एनसीआर भी मैंने देखा है कि एक ही इंजीनियर शायद ही एक एनसीआर डालता होगा, एक क्यूसी इंजीनियर एक साल के अंदर शायद एक एनसीआर डालता होगा, वो भी शायद, ठीक है। एनसीआर ऐसा चीज है कि हमको अवेयर होना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है उसको जनरली हर वीक में अवेयरनेस के लिए कम से कम एक एनसीआर डालना चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम किया है तो डेविएशन किया है तो तभी जाके हमारा क्वालिटी इंप्रूव होगा, अगर क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगा तब हम कैसे काम करेंगे, समझ रहे हैं आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन? स्पेसिफिकेशन क्या है? तो स्पेसिफिकेशन आर द गाइडलाइन डिटेल ऑफ कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ एंश्योर द मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड। ओके, मिनिमम जो स्टैंडर्ड जो रहता है, हमारा मिनिमम प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट रहता है वो
उसमें लिखा रहता है ताकि आपको कंस्ट्रक्शन करने में गाइडलाइन मिले, आपको कैसे करना है मेथोडोलॉजी मिले, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिकेशन। हाउ मेनी थ्रेड कैन बी विजिबल आफ्टर द सील वेल्डिंग इन थ्रेडेड सर, एक ग्लास। मिनट, हाँ सर बोलिए। हाँ अभी ये स्पेसिफिकेशन के बारे में बोला ना। सर हाँ, तो स्पेसिफिकेशन में ऐसा भी मैं इंटरप्रेट किया हुआ है कि स्पेसिफिकेशन जो बनाया है वो कोड को लेके बनाया है, कोड में से स्पेसिफिकेशन बनाया है। तो यस यस होता है, फिर उससे ही बनता है। उसी टाइम हम लोग को ये सोचना चाहिए कि कोड में लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन में कुछ आइटम रेस्ट्रिक्ट भी किया होगा और स्पेसिफिकेशन कुछ आइटम हम लोग को लूज भी दिया होगा। लूज मीन्स कुछ ये दिया होगा कि भाई ये एक्सेप्टेबल है, कोड के अंदर 5 mm ही एक्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकेशन में आपको 5 to 10 दे दिया होगा या 4 to 5 दे दिया होगा। तो उसी टाइम हम लोग को कोड को फॉलो नहीं करने का, प्रोजेक्ट के अंदर काम करेगा तो हम लोग 101% स्पेसिफिकेशन को ही फॉलो करने का, क्योंकि स्पेसिफिकेशन में पूरा आइटम दे दिया होगा आपको। ओनली कहाँ पे लिखा होगा कि कोड को ये पॉइंट आएगा, ये कंडीशन आएगा तो हम लोग कोड फॉलो करने का, उसने भी मेंशन किया होगा। उसके उसी टाइम हम लोग बोलेगा कोड में ये लिखा होगा और स्पेसिफिकेशन में लिखा, मैं तो कोड ही फॉलो करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। प्रोजेक्ट में काम करेगा तो स्पेसिफिकेशन ही फॉलो करने का है। ओके सर, कंटिन्यू कीजिए। ओके, अभी स्पेसिफिकेशन का बात है, आपको एक फंडा याद रखना है, स्पेसिफिकेशन बोलता है पहले ही आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, उसके बाद में आपको एएसएमई या जो भी है कोड यूज करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन कोड, उसके बाद में यूज करना। सबसे पहले आपको प्रिफर करना है स्पेसिफिकेशन। और सबसे प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे इंडियन जो है, हमारा इंडिया के इंडिया में जो लोग काम करते हैं वो स्पेसिफिकेशन पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्ट कोड के हिसाब से चलते हैं, तो एक गलत बात है। आपको सबसे पहले आपको फॉलो करना है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीज होता है, सर ने अभी जैसे ही बताया, कुछ चीज रिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, रिस्ट्रिक्ट नहीं भी हो सकता है। आपको बोला है कि ओवरलिटी 5 mm तक आप एक्सेप्ट है, कोड में भी वो लिखा है कि 5% इज एक्सेप्टेड या 5 mm मैक्सिमम, ओके ऐसा लिखा है, लेकिन स्पेसिफिकेशन में ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम 3% या फिर 2 mm मैक्सिमम एक्सेप्टेबल, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको पहले वो फॉलो करना है। सर वो कोड 5 mm बोल रहा है, स्पेसिफिकेशन में 2 mm डाल रहे हैं, हम किसको फॉलो करें, ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आपको जनरली स्पेसिफिकेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी आफ्टर कोड। ओके आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी थ्रेड ऑलरेडी B31.3 में हमने बताया है कि भाई कितना थ्रेड फ्लैंज थ्रेड जो है वेल्डिंग मारते हैं, थ्रेडेड फ्लैंज है या फिर थ्रेडिंग वेल्डिंग हम मार रहे हैं, तब हमको कितना थ्रेड विजिबल होना चाहिए, तो 0, आपको पूरा थ्रेड तक वेल्डिंग फिनिश करना है। PMI क्या है, वेरिफिकेशन दैट द नॉमिनल कंपोजिशन केमिकल ऑफ अलॉय एलिमेंट अलॉय मटेरियल इज स्पेसिफाइड एंड ऑर्डर्ड। मतलब जो PMI हम जो करते हैं उसमें केमिकल कंपोजिशन हमको चेक, इच्छित जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेक कर सकते हैं, डिजायर्ड केमिकल कंपोजिशन हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द गेज, व्हाट आर द गेजेस यूज्ड इन फिटअप, तो हाइलो गेज और टेपर गेज। ठीक है, हाइलो गेज और टेपर गेज ऑलरेडी मैं फिगर एक दो बार दिखाया था, तो आपको वो यूज करना चाहिए। व्हाट मटेरियल यूज ड्रिंग मटेरियल सर्विसेज, तो आपको कौन सा, देखो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं है कि भाई कितना ड्रिंकिंग वाटर के लिए कार्बन स्टील का यूज कर सकते हैं पाइपलाइन, नहीं, इसमें क्लियर लिखा है 90% निकल होना चाहिए, 10% कॉम होना चाहिए। ठीक है, वैसा आपको मटेरियल यूज करना चाहिए। और ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन मतलब डी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये सिंपल डी कैटेगरी में आता है जनरली, लेकिन एक्चुअली मैं डी के लिए ये ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर का पाइपलाइन है उसमें 90 क्रोम और 10 कॉपर होना चाहिए, सॉरी सी ए क्रोम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, व्हाट टाइप ऑफ PMI मेथड इज अवेलेबल, दो टाइप के PMI मेथड होता है, एक्सेल फ्लोरोसेंट और ऑप्टिकल इमिशन। इंडिया में जो यूज होता है उसको जनरली एक्सेल फ्लोरोसेंट है, वो गन वाला, जेब में निकल के ना जाओ और काम करके आ जाओ, खलास, एकदम पोर्टेबल, कोई मगजमारी नहीं, कोई मसला नहीं ऐसा। लेकिन उसका एक लिमिटेशन है, वो एक सल्फर एंड इट्स लो जिसका वेट है, जैसे कि सल्फर फॉस्फोरस कार्बन वो सब चीज उसमें नहीं दिखाया गया। क्यों, क्योंकि उसका एक लिमिटेशन है, सबका अपना अपना लिमिटेशन है, SMW का लिमिटेशन है कि भाई वो टिटेनियम और जिर्कोनियम में वेल्डिंग नहीं मार सकता, तो वो एक उसका लिमिटेशन है। वैसे यहाँ पे ये जो एक्सेल फ्लोरोसेंट है मेथड है उसका एक लिमिटेशन है, घर वाला जो हम जनरली जेब में लेके घूमते हैं, जनरली पोर्टेबल होता है वो मशीन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें सल्फर एंड इट्स लो वेट अलॉय,
वो जो है वो हम उसमें मेजर नहीं कर पाते, वहां पे वो डेप्थ में एक्सरे नहीं घुस पाता है। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोग्राफ, ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोग्राफ यूज करते हैं, वहां पे हमको कार्बन भी पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 304L। आपको क्लाइंट ने बोला कि आप जाओ चेक करके आओ 304L ही मटेरियल है या फिर दूसरा कोई मटेरियल है, तो आप एक्सरे प्रोडक्शन ले जाके चेक करेंगे तो आपको तो बोल देगा हाँ ये 304 है, लेकिन एल है या एच है वो आपको नहीं बताएगा, वो लो कार्बन है या हाई कार्बन है वो नहीं बताएगा एक्सरे प्रोडक्शन। इसके लिए आपको ऑप्टिकल इमिशन भी यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा। इंडिया में बहुत सारी गल्फ कंट्री आज जब ऑर्डर देती है तो उसमें क्लियर कट लिख के देती है कि भाई मुझे ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोग्राफ से ही पीएमआई चाहिए। मैंने एसएनसी लवली का एक प्रोजेक्ट किया था इसका अबू धाबी का, तो उसमें एक क्लाइंट ने स्पेशल लिखा था कि भाई हमको एक्सरे प्रोडक्शन नहीं चाहिए, हमको यही ओनली ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोग्राफ चाहिए। एक्चुअली वो बोल लिया है, एक दिन का उसका चार्ज जनरली आज से 6-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जनरली उस टाइम पे पर डे का चार्ज था 60 to 70 thousand, 70, ठीक है, 70,000 rupees था पर डे का चार्ज, लेकिन एक्सरे प्रोडक्शन का पर डे का 500 rupees है, सीधा जेब में जाओ लेके जाओ करके आओ ऐसा, ठीक है। तो वो सबका अपना अपना लिमिटेशन है। ओके आगे चलते हैं, सोर्स सर्विस एंड नेस विच मटेरियल यूज्ड, सोर्स सर्विस फॉर सोर्स सर्विसेज एंड नेस विच मटेरियल यूज्ड, तो कि HICC कार्बन रेजिस्टेंस मटेरियल, हाइड्रोजन इंड्यूस्ड कोल्ड क्रैक ना आए वैसे कार्बन रेजिस्टेंस मटेरियल आपको यूज करना चाहिए, कार्बन कम होना चाहिए और नेस मटेरियल में भी कार्बन कम होना चाहिए। अगर कार्बन कम है तो सबसे अच्छी बात है, वहां पे हीट इनपुट का प्रॉब्लम रहता है नेस मटेरियल में, कोरोजन का प्रॉब्लम होता है नेस मटेरियल में, सोर्स सर्विस में भी कोरोजन का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, इसी की वजह से ऐसा मटेरियल यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कटिंग यूज इन एसएस, टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील एंड हाउ द आइडेंटिफाई देम। ओके, व्हाट टाइप ऑफ कटिंग यूज्ड इन एसएस, तो प्लाज्मा कटिंग होता है, ठीक है, दूसरा ग्राइंडिंग व्हील से भी कटिंग होता है, प्लाज्मा कटिंग इसी की वजह से होता है क्योंकि सेंसिटाइजेशन ना हो, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है तो प्लाज्मा कटिंग में जनरली कम टेम्परेचर ड्रॉप, तुरंत फास्ट टेम्परेचर ड्रॉप होता है, फास्ट टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो 400 से 800 वाला जो हमारा कोटा है वो फिनिश, वो जल्दी से उसमें वो टेम्परेचर नहीं रहेगा, तुरंत फॉल होगा, तुरंत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और तुरंत फॉल होगा, इसी की वजह से हम जनरली प्लाज्मा कटिंग उसमें यूज करते हैं और सेंसिटाइजेशन ना हो इसके लिए, ठीक है, ऑक्साइड जनरेट ना हो, कार्बन क्रोमियम ऑक्साइड जनरेट हो, जनरली ब्लैकिश कलर के क्रोमियम ऑक्साइड, दूसरे हम जो थर्मो कटिंग करते हैं उसमें ऐसा यूज होता है, सॉरी ऐसा होता है, कार्बन स्टील का हम कटिंग करते हैं तो टॉर्चर कटिंग करते हैं, गैस कटिंग टॉर्चर, लेकिन जनरली एसएस में ऐसा नहीं कर सकते। अगर किया भी, अगर एग्जाम्पल के तौर पे किया भी तो थर्मल कंडक्टिविटी उसमें प्रॉब्लम करता है और आपको ज्यादा हीटिंग करना पड़ेगा, फिर हीटिंग ज्यादा करने से पॉपड़ी जैसा एसएस बन जाएगा, और कट भी हो गया एग्जाम्पल के तौर पे आपने जबरदस्ती काटा भी तो वो ब्लैकिश कलर हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं क्रोमियम ऑक्साइड, तो क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएगा, वहां पर क्रोमियम ऑक्साइड हो गया मतलब हमारे मेटल में से क्रोमियम चला गया, क्रोमियम चला गया तो कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉब्लम हो गया, हमने एसएस में जो बहुत सारा पैसा दिया है ये स्टेनलेस स्टील का मटेरियल खरीदने के लिए, और आप क्रोमियम कार्बाइड से निकाल देंगे, क्रोमियम ऑक्साइड से जब निकाल देंगे वो टॉर्च से हीटिंग करके, तो उसका मतलब क्या है पैसा देने का, मतलब कॉस्ट भी यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, इसके लिए प्लाज्मा कटिंग यूज में यूज होता है, उसे एक हम इतना ही चीज नहीं बहुत लंबा छोड़ा है लेकिन मैं बाद में कभी समझाएगा। ग्राइंडिंग व्हील एसएस का यूज करना चाहिए, आप सीएस का यूज करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, हीटिंग होगा, क्योंकि जब ग्राइंडिंग व्हील कटिंग करेंगे आप तो हीटिंग तो होगा ना, वो हीटिंग होगा, कार्बन स्टील का अगर ग्राइंडिंग यूज किया है तो हीटिंग होने से क्या होगा, कार्बन स्टील का कार्बन जो है वो चिपक जाएगा वो स्टेनलेस स्टील के अंदर, तो क्रोमियम कार्बाइड बना देगा, तो हमारा तो वही तो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से एसएस का जो हम कटिंग करते हैं तो एसएस के ग्राइंडिंग व्हील से करना चाहिए, ठीक है। एसएस का ग्राइंडिंग व्हील कैसे हमको पता चलेगा कि एसएस का ग्राइंडिंग व्हील है, आयरन ऑक्साइड उसके ऊपर लिखा होगा, जिकोनियम लिखा होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसा लिखा होगा, ऐसे सब आइडेंटिफिकेशन होगी, या ब्लू कलर का उसका कलर कोडिंग होगा या येलो कलर का, कभी कभी यहाँ पे भले ब्लू लिखा है गलत लिखा है, एक्चुअली मुझे येलो लगना चाहिए, ठीक है, वो येलो है यहाँ पे होता है। आगे बढ़ते हैं, What is the inspection and test plan? What is the SATIP? Inspection test plan, ITP है क्या? ITP एक methodology है जो welding quality हम check करते हैं, whether not only welding, जो construction quality है, हम उसमें पूरा step by step दिया है, वो mandatory होता है, ठीक है, वो mandatory है, वो भाई ITP हिसाब से नहीं चलेंगे तो चलेगा ऐसा नहीं हो, mandatory है, यहाँ पे clear word है mandatory, मतलब ITP आपको follow करना ही है, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई भी स्पेसिफिकेशन हो, आईटीपी आईटीपी इज द मस्ट, ओके,
आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द क्वालिटी प्रोसीजर? क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर क्या है? द डॉक्यूमेंट दैट डिटेल्स स्पेसिफिक स्टेप नीडेड टू फुलफिल द क्यूसी एक्टिविटी इन आईटीपी। देखो आईटीपी जो है वो तो कहाँ पे विटनेस करना है, कौन सा स्टेज के बाद कौन सा स्टेज का इंस्पेक्शन करना है, वो सब चीज उसमें लिखा है, लेकिन वो ऐसे प्रोसीजर से मेथोडोलॉजी उसका क्या है, तो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर में लिखा रहेगा। आईटीपी के हिसाब से हमको मेथोडोलॉजी फॉलो करना रहता है। आईटीपी में बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, होल्ड पॉइंट, विटनेस पॉइंट, सर्वेलेंस पॉइंट, रिव्यू पॉइंट। बहुत सारे क्वालिटी इंस्पेक्टर होते हैं, उसको होल्ड पॉइंट तो पता होता है लेकिन विटनेस और सर्वेलेंस पता नहीं है, रिव्यू पता होता है कि खाली साइन कर दो, ऐसा नहीं है भाई। होल्ड पॉइंट का मतलब ये हुआ, अगर आईटीपी में कोई होल्ड पॉइंट है इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइंट अगर किसका होल्ड पॉइंट है वो देखना है आपको। एग्जांपल के तौर पे एआई का होल्ड पॉइंट है, ठीक है, मैं एआई की बात करता हूँ, तो जब तक आपकी कंपनी में एआई नहीं आता है तब तक वो पॉइंट से आप आगे नहीं बढ़ सकते। होल्ड पॉइंट का मतलब ये हुआ, जब तक आपकी कंपनी में एआई एंट्री नहीं लेता है, वो इंस्पेक्शन नहीं करता है वो चीज का, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसका मतलब हुआ होल्ड पॉइंट। होल्ड पॉइंट के लिए आपको पहले से इंटीमेशन देना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा कि सर हमारा कल आ जाइए आप, इंस्पेक्शन है, या जो भी है एक वीक से पहले आपको देना पड़ेगा कि होल्ड पॉइंट है, आप आ जाइए इंस्पेक्शन करिए, ऐसा करके आपको एक इंस्पेक्शन कॉल जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो कॉल को बोलते हैं होल्ड पॉइंट, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सके। विटनेस पॉइंट कैसा है कि आपको अल्टीमेट इंटीमेशन तो दे देना है मेल से कि सर हमारा विटनेस पॉइंट है, आप आ जाइए, ये पॉइंट विटनेस है, ओके। आपने इंटीमेशन तो दे दिया, फिर वो मे बी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन आपको आपने टाइम दे दिया तो उसको आना है तो आएगा, नहीं आना है तो नहीं आना है तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, थीके? तो उसको बोलते हैं विटनेस पॉइंट। सर्वेलेंस को किसको बोलते हैं? आपको अल्टीमेशन नहीं देना है, वो क्लाइंट जो है, जो एंड यूजर है, कभी भी आपकी साइट पे टपक सकता है, आके तुरंत वो इंस्पेक्शन कर सकता है, कोई भी आपका उसी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका इंस्पेक्शन कभी भी कर सकता है, सर्वेलेंस कर सकता है, कभी भी नाइट में भी आके चेक कर सकता है, दिन में भी आके चेक कर सकता है, आप उसको कुछ बोल नहीं सकते, उसको बोलते हैं सर्वेलेंस पॉइंट। रिव्यू पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि आपने सब चीज ओके किया और रिपोर्ट बनाया, फिर वो खाली रिव्यू करेगा, चेक करेगा आपने किया है वो बराबर किया है कि नहीं किया है, रिपोर्ट चेक करेगा, वेदर वो जॉब भी चेक कर सकता है लास्ट में कि भाई रिव्यू करेगा कि हाँ आपने बराबर किया है कि नहीं किया, वो विटनेस नहीं करेगा, सर्वेलेंस नहीं करेगा, होल्डिंग भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, खाली रिव्यू करेगा, मतलब साइन करेगा, रिपोर्ट चेक करके रिपोर्ट का सर्वेलेंस करेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं रिव्यू। आशा करता हूं ये सब चीज समझ में आ गया होगा, मुझे पता है इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन मुझे पर्सनली कॉल करिए, मैं क्लियरली आपको समझाएगा, ओके। होल्ड पॉइंट के बारे में, सर्वेलेंस के बारे में सब चीज समझा दिया। डिस्क्राइब द बिटवीन क्यूए एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्यूए क्या है और क्यूसी क्या है? क्वालिटी कंट्रोल इज द ऑपरेशन टेक्निक्स, इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग, वो उसको बोलते हैं क्वालिटी। इंस्पेक्शन भी करना है, एग्जामिनेशन भी करना है, टेस्टिंग भी करना है, उसी के हिसाब से फुलफिल रिक्वायरमेंट जो है वो क्वालिटी का वो एंश्योर करना है, उसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग, वी आर द कंट्रोल इन द फुलफिल द रिक्वायरमेंट, इट्स कॉल्ड क्वालिटी। एंड क्वालिटी इंश्योरेंस इज वी आर गारंटेड, जो जॉब हमने बना दिया है क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से, फिर हम इंश्योरेंस करेंगे, इंश्योर करेंगे कि हाँ ये वेसल बना दिया, जाओ 3 साल तक कुछ नहीं होगा, आप लगे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आप एक कॉन्फिडेंस डॉक्यूमेंट जनरेट करेंगे और वो डॉक्यूमेंट वो प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस करेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट हमने एज पर क्वालिटी कंट्रोल बनाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक डॉक्यूमेंट्री वर्क हो गया, ठीक है, उसी को बोल रहे थे क्वालिटी इंश्योरेंस। खाली मैं इतना बोल रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब बहुत लंबा है, 10 पेज 15 पेज का ऑलरेडी एएसएमई ने उसका स्पेसिफिकेशन में लिखा है, एएसएमई मैनुअल है अलग से, वो एएसएमई मैनुअल में लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे 1 से 2 लाइन में बोल दे रहा हूँ, इसका मतलब बहुत लंबा होता है, खाली आप इतना ही मत समझिए कि हाँ सर ने बोला कि भाई क्वालिटी इंश्योरेंस इज द सिस्टम ऑफ एक्शन एंड प्लानिंग एंड नीड टू प्रोवाइड द कॉन्फिडेंस ऑफ दिस प्रोडक्ट, ऐसा कुछ नहीं है, जनरली बहुत बड़ा है, लेकिन आप खाली समझने के लिए, इंटरव्यू के लिए इतना समझ लीजिए, वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है आपके प्रोडक्ट का और वो डॉक्यूमेंट्री वर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड ट्यूब। पाइप जो है वो शेड्यूल में मेजर होता है और पाइप जो है एनपीएस शेड्यूल में मेजर होता है और उसमें थिकनेस अलग से हमको चेक करना पड़ता है और शेड्यूल के हिसाब से,
और जो ट्यूब है वो थिकनेस के हिसाब से डिसाइड होता है, थिकनेस वो डक्टाइल होता है ज्यादा, पाइप डक्टिलिटी नहीं होता है। पाइप को हम बेंड नहीं कर सकते, ट्यूब को हम बेंड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ट्यूब डक्टिलिटी उसमें ज्यादा रहता है, इसके लिए ट्यूब को हम बेंड कर सकते हैं, पाइप को हम बेंड नहीं कर सकते। ठीक है, पाइप को बेंड नहीं करने की वजह से हम एल्बो यूज करते हैं, ट्यूब को जनरली हम एल्बो नहीं डालते। आपने कभी देखा कि ट्यूब में एल्बो लगाया है वो बेंड करने के लिए? ऐसा नहीं होता है, ट्यूब खुद ही बेंड करते हैं हम। ठीक है, वेदर वो कोल्ड बेंड हो या हॉट बेंड हो, दो टाइप के उसमें बेंडिंग प्रोसेस होता है ट्यूब का, कोल्ड बेंड और हॉट बेंड। ठीक है, हॉट बेंड। आगे बढ़ते हैं, मुझे और भी कुछ बोलना है। ट्यूब जो है वो थिकनेस के हिसाब से मेजर करते हैं, पाइप जो है वो एनपीएस एंड शेड्यूल के हिसाब से मेजर करते हैं। ठीक है, ओके। दूसरी बात ट्यूब में, हाँ, पाइप जो है वो, जो पाइप रहता है वो फ्लूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी करता है। ओके, और ट्यूब जो है वो फ्लूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर तो करता ही है, लेकिन हीट भी ट्रांसफर करता है, तो उसी की वजह से वहां पे अपना अपना क्वालिफिकेशन है। अगर फर्नेस के अंदर यूज करना है तो हम जनरली ज्यादातर ट्यूब यूज करते हैं, फर्नेस के बाहर यूज करना है तो पाइप यूज करते हैं। उसका रीजन क्या है? हीट ट्रांसफर का। तो ट्यूब जो है उसमें हीट ट्रांसफर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, पाइप में हीट ट्रांसफर नहीं होता है, पाइप में खाली फ्लो वन जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ ये पाइप का मोस्टली आपको समझ में आ गया होगा, इंटरनेट में सर्च मारेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा इसके बारे में, अभी जस्ट मैं स्मॉल बाल दिया है। ओके, व्हाट इज द फाइव टाइप ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, पीटीएमटी आरटी यूटीवीटी? ठीक है, बहुत सारे हैं, इसमें 32 टाइप्स के डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, लेकिन जस्ट यहाँ पे हमारा एएसएमई जो है उसका कुछ डिफाइनाइट कुछ स्मॉल दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको मुझे नहीं लगता जरूरत है। World, what gauge used for welding? तो ब्रिज के हम गेज हम जनरली यूज करते हैं। What is AC and DC? AC है जो अल्टरनेटिव करंट है, वो डायरेक्शन चेंज करता रहता है, और DC जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, वेदर वो DC पॉजिटिव हो या DC नेगेटिव हो। एक बात आप याद रखिए, GTAW प्रोसेस वो वही एक अकेला अपवाद प्रोसेस है, वो DC नेगेटिव में यूज होता है, बाकी सब DC पॉजिटिव में यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोलरिटी DC पॉजिटिव, पोलरिटी नेगेटिव। What is the general defect? जो देखो यहाँ पे डिफेक्ट बहुत सारे हैं, डिफेक्ट के लिए ऑलरेडी ये पूरा चैप्टर है, मैं करवाया है ऑलरेडी, इसको बोलते हैं वेल्डिंग इनपरफेक्शन। ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं, पांच टाइप के तो क्रैक ही है, रेडियल क्रैक, कैविटी में सॉलिड, सॉरी ये छह टाइप के डिफेक्ट है, क्रैक, कैविटी, सॉलिड इन्फ्यूजन, लेक ऑफ फ्यूजन, इंपरफेक्शन शेप एंड डायमेंशन एंड मिसेलेनियस इंपरफेक्शन। इसमें भी क्रैक का पांच टाइप है, क्रैक को तीन टाइप में भी बोला जाता है, वेल्ड मेटल में अगर आता है तो वेल्ड मेटल क्रैक बोलते हैं, हीट इफेक्टेड जोन क्रैक बोलते हैं, करंट मेटल क्रैक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन क्रैक है, वो एक डिफरेंट क्रैक है, व्हाट क्रैक है, वो सब चीज है। ठीक है, इसके बाद लेमिनार टीयरिंग, लेमिनार टीयर वो भी वन ऑफ द क्रैक ही है, वन ऑफ क्रैक का ही टाइप है। ठीक है, पोरोसिटी, पोरोसिटी बहुत टाइप के, लिनियर पोरोसिटी, एलोंगेशन पोरोसिटी, वार्म होल, सरफेस पोरोसिटी, क्लस्टर पोरोसिटी, यूनिफॉर्म पोरोसिटी और गैस पोर। ठीक है, और सिंगल्स की बात करें तो क्रैटर पाइप, जो हमने बोला था कि जनरली ये आता है GTAW प्रोसेस में, क्रैटर का पाइप आता है, वो हमको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, पर्ज इन पर्ज आउट, वो हमको पोस्ट फ्लो एंड प्री फ्लो हमको फॉलो करना पड़ता है, तो उससे हम ये निकाल सकते हैं। केविटी वो सब चीज के बारे में, मिसअलाइनमेंट, सरफेस पोरोसिटी, ठीक है, सरफेस पोरोसिटी, इसलिए क्रैटर पाइप, ये देखिए क्रैटर पाइप दिखाया है। ठीक है, तो वो सब अलग अलग टाइप के, अलग अलग सब जगह पे आता रहता है। डीसी नेगेटिव यूज इन GTAW, वाई? अभी मैं बोलता हूँ, सभी मैं अभी आपको बोल रहा था कि GTAW एक ऐसा अपवाद है, वही खाली डीसी नेगेटिव में यूज होता है, डीसी पॉजिटिव में बाकी सब यूज होते हैं। तो ऐसा क्यों, GTAW में ऐसा क्या खास कांड हो गया कि भाई उसको डीसी नेगेटिव में यूज करना पड़ा? तो मैं आपको बोल रहा हूँ, डीसी पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। चलो, सबसे पहले हम SMAW में डीसी पॉजिटिव में हमारा टॉर्च जो है, हमारा जो इलेक्ट्रोड का टॉर्च है, उसको हम इलेक्ट्रोड होल्डर है, उसको हम किस में डालेंगे, डीसी पॉजिटिव में, SMAW प्रोसेस में। तो डीसी पॉजिटिव में डालने से क्या होगा, जो हीट है, हीट तो 100% जनरेट होगा, 100% होगा ही, किधर भी होगा वो एक डिफरेंट मैटर, लेकिन हीट तो जनरेट होगा क्योंकि सर्किट फ्लो पूरा होगा। जैसे ही वेल्डर वेल्डिंग मारने बैठेगा तो वर्कपीस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा हमारा इलेक्ट्रोड के ऊपर, इसी की वजह से इलेक्ट्रोड में 70% हीट जनरेट होगा, 70%, 100 में से 70% इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड हमारा है उसके ऊपर जनरेट होगा, और हमारा जो वर्क पीस है उसमें 30% जनरेट होगा।
ठीक है, तो वो तो हो गया, इलेक्ट्रोड तो अपना हीट सस्टेन कर लेगा, ठीक है चलो, उसने और टाइप पे वेल्डिंग तो मार देगा, लेकिन GTAW में क्या होगा अगर DC पॉजिटिव में डालते हैं हम, GTAW का टॉर्च को, हमारा आर्गन टॉर्च को, टंगस्टन वाला टॉर्च को अगर पॉजिटिव में डालते हैं तो क्या कांड होता है, हम उसमें डालते हैं तो हमको पता है कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड यहाँ पे नॉन कंज्यूमेबल कौन है, टंगस्टन, तो टंगस्टन है उसमें 70% हीट जनरेट होगा, तो 70% अगर टंगस्टन पे हीट जनरेट होता है तो टंगस्टन ओवर हीट हो जाएगा, टंगस्टन यूज लांग जाएगा, चांसेस बन जाएगा, तो उसी के देखो टंगस्टन को हमको मटेरियल के अंदर डालना नहीं है, टंगस्टन को हमको डिपोजिट नहीं करना है, हमको डिपोजिट किसको करना है, मेटल को करना है, तो फ्यूज मेटल को, फिलर मेटल को फ्यूज करना है और उसको डालना है। अगर टंगस्टन को यहाँ पे फ्यूज करना रहता तो ठीक है, डीसी नेगेटिव में डालो, पूरा टंगस्टन ही फ्लो होगा, ठीक है, तो ऐसा हमको नहीं करना है, हमको ओवर हीट का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने के लिए हम डीसी नेगेटिव में डाल देते हैं, ताकि जो हीट प्रोड्यूस है वो 30% टंगस्टन पे हो और 70% वर्कपीस पे हो, ठीक है। इसी के लिए प्रोडक्टिविटी कम होने का रीजन GTAW में यही एक रीजन है कि भाई हम उसको नेगेटिव में डाल, ठीक है, पॉजिटिव में डालने से हमको जनरली ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, क्योंकि 70% इलेक्ट्रोड, SMAW की बात करें तो SMAW में हम डालते हैं इलेक्ट्रोड, तो उसमें 70% हीट इलेक्ट्रोड पे जनरेट होगा, तो इलेक्ट्रोड ज्यादा गर्म होगा तो ज्यादा डिपोजिशन होगा, ज्यादा डिपोजिशन होगा तो हमको हमको प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा। GTAW में डिपोजिशन यहाँ पे कम होता है, उसका रीजन क्योंकि हम डीसी नेगेटिव में डालते हैं, डीसी नेगेटिव में डालने से क्या होता है, हमारा वेल्ड मेटल में जो टंगस्टन है उसमें 30% हीट जनरेट होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is GMAW? What are the application? GMAW are arc welding in semi-automatic process welding where the shielding it provide and CO2, argon and helium. तीनों में से कोई भी shielding हम use कर सकते हैं, CO2, argon और helium. ठीक है, अभी 5-10 मिनट में थोड़ा रेस्ट करता हूँ और सेशन ओपन करता हूँ फॉर क्वेश्चन आंसर के लिए, और अल्पेश सर, आशीष सर, थोड़ा आप आंसर अगर है तो दे सकते हैं सर, प्लीज लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे भी पूछ सकते हैं और आशीष सर को भी पूछ सकते हैं, बोलिए सर, क्वेश्चन आंसर के लिए थोड़ी देर है, थोड़ा देर बाद में हम वापस स्टार्ट करेंगे। हेलो, हाँ सर बोलिए सर, बोलिए सर, आपकी आवाज बोलिए 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 सर, डिस्कशन कौन से बिल्डिंग में ज्यादा आएगा, सर डिस्कशन कौन से बिल्डिंग में ज्यादा आएगा, SMAW या फिर GTAW? डिस्टर्बेंस है SMAW में ज्यादा आएगा क्योंकि हीट ज्यादा ट्रांसफर होगा, GTAW में भी हीट ज्यादा ट्रांसफर होगा, लेकिन डिपेंड ऑफ मटेरियल, आप स्टेनलेस स्टील यूज करेगा तो उसमें डिस्टर्बेंस ज्यादा रहेगा, कार्बन स्टील में डिस्टर्बेंस कम होगा, और डिस्टर्बेंस कंट्रोल करने के लिए बेटर आप लोग को उसका डिस्टर्बेंस कंट्रोल करने का टेक्निक यूज करना पड़ेगा, जिगजैग टेक्निक, प्लान टेक्निक और दूसरा दो तीन टेक्निक आता है। तो मोबाइल से इतना सिग्नल अच्छा भी नहीं मिल रहा है कि मेरा नेटवर्क थोड़ा फास्ट चल रहा है। ओके, अभी सर मैं बोलता हूँ डिस्टॉर्शन आने का रीजन क्या है। डिस्टॉर्शन सबसे पहले थर्मल कंडक्टिविटी जो मटेरियल में प्रॉब्लम है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, उसमें डिस्टॉर्शन सबसे ज्यादा आएगा, रीजन क्या है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी हम SMAW से वेल्डिंग करेंगे जहां पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। क्या अपना आंसर बोलिए ना, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दिया। हेलो सर, अभी आवाज आ रही है मेरी, बाकी सब लोग है ना सर, म्यूट कर दीजिए, बाकी सब लोग म्यूट कर दीजिए सर प्लीज। ओके, मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई डिस्टॉर्शन आने का, जैसे अभी आशीष सर ने बोला कि मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड है, स्टेनलेस स्टील का 10 mm का थिकनेस आप प्लेट ले लीजिए उसमें आर्क मारिए, और कार्बन स्टील का 10 mm का थिकनेस उसमें भी आर्क मारिए, दोनों प्रोसेस सेम है, खाली पी नंबर चेंज है, फिर भी स्टेनलेस स्टील में डिस्टॉर्शन ज्यादा आएगा, तो एक डिपेंड ऑन मटेरियल भी है। दूसरा, हीट इनपुट, सबसे ज्यादा हीट इनपुट कहाँ पे जनरेट होता है, पोजिशन, एग्जाम्पल के तौर पर 1G पोजिशन में हीट इनपुट ज्यादा होता है,
वर्टिकल पोजीशन में हीट इनपुट ज्यादा होता है, तो वो सब जगह पे भी हीट इनपुट जहां पे ज्यादा होता है वहां पे डिस्टोर्शन आने का चांसेस है। लेकिन सब चीज का मैं अगर दौड़ा घुमा के बात करेगा तो एक ही फंडा रहता है, थर्मल कंडक्टिविटी एंड हीट इनपुट दोनों की वजह से। जहां पे हीट इनपुट ज्यादा है वहां पे डिस्टोर्शन ज्यादा है, जहां थर्मल कंडक्टिविटी कम है वहां पे भी डिस्टोर्शन ज्यादा है। ओके, अभी दूसरी बात, जीटीए डब्ल्यू है वो उसमें सबसे कम आने का रीजन ये है क्योंकि जीटीए डब्ल्यू स्लो प्रोसेस है। आप देखेंगे जब वेल्डर आर्क टॉर्च लेगा, एक लंबा सा रूट है तो वो मारते जाएगा, तो धीरे धीरे वो वेल्डिंग मारते जाएगा तो आगे का ऑलरेडी हीट होता ही जाएगा। आगे का पोर्शन है, आप 100 mm तक आगे का चेक करेंगे तो अगर वेल्डिंग मारते जा रहा है तो आगे का 100 mm ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा हॉट होता जा रहा है, ठीक है। तो वो भी एक रीजन है जीटीए डब्ल्यू में कम डिस्टोर्शन आने का। डिस्टोर्शन कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टोर्शन कंट्रोल करने के लिए हमको एक मिनट में एक निकाल देता हूं टेक्निक्स, एक ऑलरेडी चैप्टर है उसका रेसिड्यूल ट्रेस एंड डिस्टोर्शन, उसमें स्टेप बेस्ड टेक्निक यूज करते हैं। स्टेप में क्या होता है, थोड़ा वेल्डिंग मारो फिर थोड़ा वेल्डिंग छोड़ो, फिर वापस थोड़ा वेल्डिंग मारो फिर वेल्डिंग छोड़ दो, फिर थोड़ा आगे जाके वेल्डिंग मारो फिर वेल्डिंग छोड़ दो, या फिर धीरे धीरे वेल्डिंग मारो। या दूसरा टेक्निक यह है कि एक साइड वेल्डिंग मारो फिर दूसरी साइड वेल्डिंग मारो, दूसरी साइड वेल्डिंग मारो तीसरी साइड वेल्डिंग मारो, ऐसा करके भी आप धीरे धीरे पूरा वेल्डिंग फिनिश कर सकते हैं। तो स्टेप टेक्निक भी है, और अभी आशीष सर ने बताया वो भी बहुत सारे टेक्निक ऐसे हैं कि आप डिस्टोर्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके सर, और कोई क्वेश्चन सर, तो उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तब तक हम यहाँ पे ये खुलता है, देखो नेटवर्क का तो सब जगह इश्यू है ही, खुलता है तब तक हम आगे का क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ फिटअप फॉर बट वेल्ड जॉइंट, तो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, तो के ग्रूव एंगल है, रूट गैप है, रूट फेस है, मिस अलाइनमेंट है, एक्सिस ऑफ सेट किस कौन से में कर रहे हैं वो भी है, क्लीनिनेस अराउंड द जॉइंट है, एक्सेसिव एड ड्राफ्ट है वो भी है। तो सब अपने अपने कंस्टेंट इफेक्ट करेंगे, जो भी आप ये सब भी चीज भी आप भूल जाइए, आप खाली है ना एसेंशियल वेरिएबल याद रखिए, सप्लीमेंट्री वेरिएबल और नॉन एसेंशियल वेरिएबल, तभी आपको ये सब चीज कवर हो जाएगा। रूट स्पेसिंग वो सब चीज इसमें इफेक्ट करता है। वॉट आर द प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल मार्किंग द आइडेंटिफिकेशन ऑन प्लेट एंड पाइप, if the plate thickness is 6 mm above vibration etching method shall be used, okay, मतलब आप क्या है, what are the precaution to be taken while marking identification or plate and pipe, okay, plate and pipe में marking जब करते हैं आप तब आपको क्या देखना चाहिए, तो आपको याद रखना चाहिए कि 6 mm से below thickness है तब आपको वाइब्रो इचिंग मेथड यूज करना चाहिए, वाइब्रो इचिंग, अदरवाइज आप मार्कर से भी लिख सकते हैं या फिर आप दूसरी क्या बोलते हैं डॉटेड स्टैम्प आता है तो डॉटेड स्टैम्प से भी आप काम चला सकते हैं, अदरवाइज 6 mm से कम थिकनेस है तो आप परमानेंट जो रहता है उससे भी कुछ काम चला सकते हैं, लेकिन 6 mm से अबव है तो आप स्टैम्पिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। व्हाट आर द चेक पॉइंट टू टेकन व्हाइल यूजिंग द कंज्यूमेबल लाइक पॉइंट डिपॉजिट मटेरियल इलेक्ट्रोड ईटीसी, ओके, व्हाट आर द चेक पॉइंट टू टेकन व्हाइल यूजिंग कंज्यूमेबल लाइक पॉइंट डीपीटी पेन डीपीटी मटेरियल इलेक्ट्रोड ईटीसी, ब्ला ब्ला ब्ला, हाँ सारा मुझे भी ओके okay, हाँ जब आप डीपीटी कर रहे हैं कंज्यूमेबल का सॉरी ये वेल्डिंग मारने के टाइम, उस टाइम पे आपको क्या क्या देखना चाहिए, तो डीपीटी के बारे में क्या क्या देखना चाहिए, तो चेक फॉर द कंफर्मेबिलिटी अप्रूव द ब्रांड नेम, ब्रांड नेम सेम है कि नहीं है वो देखना चाहिए, करेक्टिव ब्रांच बैच नंबर, बैच नंबर करेक्ट है वो भी देखना चाहिए, एक्सपायरी डेट नहीं हो गया ना वो भी देखना चाहिए। ओके, अभी ये बात निकली है तो मैं एक बात कर देता हूँ, कंज्यूमेबल रिसीविंग कैसे करते हैं, कंज्यूमेबल रिसीविंग सबसे पहले आपको ऑर्डर मिलता है, आपको पीओ देखना है, पीओ में क्या है, सर्टिफिकेशन 3.1 है या 3.2 है, ऑलरेडी 3.1 3.2 में समझा चुका हूँ क्या है, 3.1 ऐसा मतलब कि आपका कोई जो एंड यूजर है उसका कोई क्वालिटी वाला जब मैन्युफैक्चरिंग हुआ इलेक्ट्रोड हुआ उस टाइम पे वहां पे इंस्पेक्शन करने नहीं गया है तो उसको बोलते हैं 3.1 सर्टिफिकेट।
3.2 सर्टिफिकेट का मतलब कि आपका इंस्पेक्शन करने भी गया है, उसने उन लोगों ने भी इंस्पेक्शन किया और थर्ड पार्टी भी में भी अगर आपने यूज किया तो वो भी इंस्पेक्शन करने गया, उसको बोलते हैं 3.2 सर्टिफिकेट। ठीक है, अभी आपको कंज्यूमेबल आया, आपने प्योर देखा कि उसमें 3.1 है, तो इसका मतलब आपका कोई क्वालिटी वाला चेक करने नहीं गया। ठीक है, उसने जस्ट ऐसे ही बना के सर्टिफिकेट भेज दिया, तब आपको ऑन जॉब पे आपको एक प्लेट लेना पड़ेगा SFA 5.1 की हिसाब से या SFA 5.01 जो है उसके हिसाब से आपको प्लेट लेना पड़ेगा। उसमें आपको वेल्डिंग रोड जो है या फिलर है उसको लेयर बाय लेयर मारना पड़ेगा, उसका आपको PMI करवाना पड़ेगा, PMI का केमिकल कंपोजिशन वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद इंपैक्ट टफनेस टेंसाइल स्ट्रेंथ वो सब चीज वेरीफाई करना पड़ेगा एज पर कोड सेक्शन 2C के हिसाब से। वो सब चीज करने के बाद आप जो कंज्यूमेबल है वो प्रॉपर डिलीवरी हुआ है कि नहीं है, वो फटा हुआ कागज में नहीं आया है, प्रॉपर उसका फिजिकल जो उसका अरेंजमेंट है वो प्रॉपर है कि नहीं है, और ह्यूमिडिटी में नहीं है, टेम्परेचर उसका प्रॉपर है कि नहीं है, वो सब चीज डैमेज हुआ है कि नहीं है, वो सब चीज देख के आपको कंज्यूमेबल रिसीव करना चाहिए। ठीक है, अभी मुझे लगता है यहाँ पे हम लोगों को सेशन अभी थोड़ा थक गया हूँ, तो अभी अभी से हम इसके बाद अभी हम क्या करेंगे API 570 स्टार्ट करेंगे। API 570 में हम बहुत सारा चीज सीखेंगे, उसमें कम चीज नहीं है। API 570 में बहुत सारे करीबन 8 से 10 सेशन होंगे दो दो घंटे के, और हम लोग API 570 ऐसा शानदार तरीके से करेंगे कि लोगों को बाहर इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ना लेना पड़े, बाहर आपको पैसा वेस्ट ना करना पड़े। 25 से 30,000 उसके रुपीज लगते हैं बाहर अगर आप कोई इंस्टीट्यूट से स्टार्ट करते हैं तो, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसा ट्राई करेंगे जब तक लॉकडाउन है, मेरा जॉब स्टार्ट नहीं होता है तब तक हम लोग API 570 अभी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बाकी जनरल नॉलेज तो इसमें मैं दिखाने के लिए तो बहुत सारा है, तो लेकिन मुश्किल है, तो हम अभी से ये लास्ट सेशन ले रहे हैं छोटा सा, इसके बाद अभी से हम API 570 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। सॉरी सर, आपसे बात करूं। हेलो, हाँ सर, यस सर, हाँ विशाल सर, आपने थोड़ू कंटिन्यू रखूँ जो है आपे आपको जॉब चालू रही जाए या पची पर आपे रविवार छुट्टी हो तो हाँ करशु ऑब्वियसली, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम ऐसे लोग नहीं हैं कि टाइम वेस्ट करेंगे, हम लोग ऑब्वियसली दिन देखेंगे, संडे के दिन लंच के बाद ज्यादातर मुझे प्रिफर रहेगा कि संडे के दिन तो पूरा वीक जॉब किया है तो फिर क्या है, लंच से पहले सोएंगे थोड़ा, फिर लंच के बाद स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या है। और वैसे भी हमने लॉकडाउन में पहला लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ है तभी से हमने बहुत सारा सेशन स्टार्ट किया है और एकदम फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं TPI में काम कर रहा हूँ, लोग अवेयर हो जाए, लोग जो है वो इंडिया में अवेयर हो जाए। अभी मैं इंडिया में थोड़े टाइम पहले लॉकडाउन से पहले पहले ही आया, तो मैं जब इंस्पेक्शन करने गया तो मुझे लिटरली अच्छा नहीं लगा, लोग जो कैसे काम कर रहे हैं, लोगों का तरीका कैसे करने का है, कोई इंस्पेक्शन जैसा कुछ है नहीं, क्वालिटी जैसा कुछ है नहीं। अगर लोग अवेयर नहीं है तभी ऐसा नहीं है, अगर लोग अवेयर है तो थोड़ा सुधर जाएंगे, तो हम लोगों को भी कम मेहनत पर करना पड़ेगा इंस्पेक्शन करने में, या हाँ उसको ऑलरेडी पता है तो थोड़ा कम मेहनत करके डायरेक्ट इंस्पेक्शन, हमको जो मेजर पॉइंट चेक करना है वो चेक करके निकल जाएंगे, तो हमारे लिए भी अच्छा है, हमको इम्प्रूवमेंट लाना है बस, और कुछ नहीं है। हाँ सर, मैं और मेरा ब्रदर भी ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग गल्फ में काम किया, ATS गल्फ में काम किया है, Applus Valuc में स्टैंडर्ड कंपनी में काम करने के बाद इंडियन इंडिया में काम करने जाएगा तो थोड़ा हम लोग को भी ऐसा फील हो रहा है, अपने हम लोग भी अच्छा अच्छी तरह से काम करेगा और अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करेगा, लेकिन ऊपर क्लाइंट थोड़ा पुश करेगा कि चलने दो चलने दो। यस, वो चलने वाला जो है ना वही मैटर बहुत प्रॉब्लमेटिक है, चलता है जाने दो, क्या है यार चलता है जाने दो, कोड क्या बोलता है। और आप लोग देखो, मैं आप एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहेगा, गल्फ कंट्री हमारे से पीछे था, 25 से 30 साल इंडिया से पीछे था, वो सडनली लास्ट 5 to 8 ईयर में क्यों हमसे आगे निकल गया, हमारे से 20 साल आगे क्यों निकल गया गल्फ कंट्रीज, क्यों? क्योंकि पहले तो उसको पता नहीं था कैसे काम करना है। ठीक है, ASME ने उसको कोड दिया तो वो क्या किया, ASME का लाइन बाय लाइन फॉलो करने लगे, लाइन बाय लाइन वो लोग फॉलो करने लगे, और हम लोग क्या किया, हम लोगों ने तो ASME ने पहले ही अवेयर कर दिया, तो अवेयर करने की वजह से हम लोग क्या किया, हमारे पास 30 से 40 से पहले ही कोड आ गया था। ठीक है, वो ASME का, तो क्या किया हमने, ठीक है यार चलता है, हमने वेल्डिंग मारा है उसमें, सर आवाज़ प्लीज सर,
सर एक मिनट सर, मैं मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ सर, प्लीज आवाज बंद करिए थोड़ा, मैं बात करता हूँ। तो हमने क्या किया, एक वेल्डिंग मारा, एक वेल्डिंग मारने के बाद वो वेल्डिंग पुअर था, एकदम बेकार वेल्डिंग था, हमने हाइड्रो किया, हमने हाइड्रो किया वो पास हो गया। फिर जो वो जिसने जिसने वो वहां पे काम किया वो ऐसा सोचा कि यार ऐसे में भले कुछ भी बोले लेकिन ऐसा भी वेल्डिंग मारता तो चल जाता है, तुम जाने दो। ये सब चीज की वजह से धीरे 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 वो चलता 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 वर्ड करके हमारा कांड हो गया, समझ रहे ना मेरा कहने का मतलब। तो वही प्रॉब्लम हो गया, तो हम लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि इतना करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दो आगे हो जाएगा, कुछ नहीं होता है ऐसा। एक कंपनी में लास्ट में मैं एक इंस्पेक्शन करने गया था, अंकलेश्वर की कंपनी है, मैं नाम नहीं देगा। उसमें क्या हुआ, हाइड्रो चेक करने के लिए मुझे बोला, मैं चेक किया ऊपर चढ़ा, हाइड्रो चेक किया तो डिसेंट के ऊपर लॉन्ग सिम रहता है, उसमें मैंने एक लेमिनेशन जैसा देखा। मैंने उसको बोला कि भाई इसमें मुझे लेमिनेशन जैसा दिख रहा है, मे बी ये क्रैक हो सकता है, क्योंकि डिसेंट में ज्यादातर ऐसा होता है। ठीक है, डिसेंट का जब हम कोल्ड फॉर्मिंग करते हैं तो हम यहाँ पे कंप्रेस की वजह से वो लॉन्ग सिम में क्रैक आने का चांसेस होता है। तो तू यहाँ डीपीटी कर। तो वो मैनेजर को बुला के लाया, सर यहाँ पे तो रनिंग हाइड्रो में वो डीपीटी करने के लिए बोल रहा है। मैं बोला हाइड्रो पहले रिलीज करो, पहले इसको डीपीटी करो। आधे घंटे झगड़ा करने के बाद उसने, मैंने उसको मनाया कि नहीं तुमको डीपीटी करना ही पड़ेगा, मैं हाइड्रो चेक नहीं करेगा। फिर डीपीटी किया, उस पता नहीं है वो 2 मीटर लंबा क्रैक निकला, 2 मीटर लेंथ में जितना उसका लॉन्ग सिम था वो 2 मीटर में उसमें क्रैक निकला, वो भी डेप्थ उसका 0.6 mm तक, सॉरी 8.6 mm तक। आप सोचो अब क्या करेंगे ये सब लोग को, क्या हाइड्रो का थिकनेस, ठीक है थिकनेस 18 mm है, हाइड्रो तो पास हो जाएगा वो नीचे की तहर की वजह से, लेकिन ऊपर क्रैक है उसको क्या जाने देंगे। तो ऐसा है मसला, यहाँ पे बहुत चलता है वर्ड की वजह से भी, हम लोग टीपीआई लोग भी बहुत परेशान है, क्वालिटी वाले भी परेशान है, क्वालिटी वाले को मैनेजर का फोर्स आएगा कि तू एक्सेप्ट कर ले यार, क्या प्रॉब्लम है तुमको, मैं इसके लिए थोड़ा रखा है, तुम हमारा प्रोडक्शन रुकवा रहा है। ये सब वजह से ही यहाँ पे रिवर्क ज्यादा आता है, और लोग ऐसा नहीं सोचते है कि भाई कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल अगर सोचते हैं तो रिवर्क नहीं आने का, एक बार रिवर्क आया ना आपका प्रोजेक्ट का बहुत सारा कॉस्ट उसमें चला जाता है, वो सब चीज नहीं देखते है। बस हमको चलता है, जाने दो एक्सेप्ट कर लो आगे बढ़ाओ, ऐसे ही बात है। एक एक साल का प्रोजेक्ट 6 महीने में ही खत्म कर देंगे, भले ही 1 साल करो यार, कम से कम क्वालिटी तो जो हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो दो, ऐसा है। ओके सर, बोलिए सर आनंद सर। विशाल भाई, कोड वन वन सेशन फॉर द डिजाइन। ओके सर, ये हम वन सेशन हम डिजाइन का करेंगे, मेरे ध्यान में ही है। एक सेशन हमने ना B31.3 का एक डिजाइन का करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग API 570। API 570, ठीक है सर, वो मैं ऐसा बोल रहा हूँ API 570 के रनिंग में ही हम उसके बीच में एक वो डिजाइन का ले लेंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा पार्ट है उसमें। ओके थैंक यू। ओके सर, API 570 मैं ऐसा सोच रहा हूँ 3-4 दिन में स्टार्ट करेंगे हम, अगर मेरा जॉब चालू नहीं होगा तो हम 570 स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने बहुत सारा चीज कवर कर लिया है सर, प्लीज अगर आप अवेयर नहीं है तो आप देखिए सेक्शन 9 देखिए, B31.3 देखिए, सेक्शन 2C देखिए, सेक्शन 5 देखिए, सीसीव का कुछ किसी ने रिकॉर्डिंग किया है तो वो भी देखिए, किसी से मिल जाता है तो बहुत सारा हमने किया है। अभी तक लॉकडाउन जैसे ही स्टार्ट हुआ, 1 वीक के बाद हमने तुरंत स्टार्ट कर दिया था, हर डे हम सेशन करते थे कुछ ना कुछ। हेलो, तो टाइम नहीं वेस्ट करिए, आप कुछ ना कुछ देखते रहिए। हेलो सर। यस सर, हसमुख सर। हेलो विशाल भाई। हाँ सर बोलिए। विशाल भाई, वो जरा मुझे हीलियम के, हीलियम और वो आर्गन का है ना, आर्गन इंडिया में यूज करते हैं, हीलियम रशिया में यूज करते हैं, उसका थोड़ा वापिस समझाओ ना साहब, थोड़ा बिजी था। ओके, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, हीलियम जो है वो कोल्ड जहां पे रहता है, कोल्ड एटमोस्फियर, वहां से देखो ये सब चीज कहां, नाइट्रोजन हमको कहां मिलेगा, एटमोस्फियर से। हाइड्रोजन कहां मिलेगा, एटमोस्फियर से। नाइट्रोजन कहां मिलेगा, एटमोस्फियर से। आर्गन कहां मिलेगा, वो एटमोस्फियर से। हीलियम कहां मिलेगा, एटमोस्फियर से। तो सब जगह तो एटमोस्फियर से, यहां पे तुरंत हम गए तुरंत आ रहे हैं एटमोस्फियर से ले लिया, ऐसा तो होता नहीं है। सबका अपना अपना डेंसिटी होता है, सबका अपना अपना एक्टिवेशन होता है। तो हीलियम जो है वो कोल्ड कंट्री जहां पे रहता है, जैसे कि रशिया, रशिया में आप देखा होगा कि वहां पे माइनस टेम्परेचर भी जाता है,
-10 डिग्री 20 डिग्री जीरो पे भी जाता है, -10 डिग्री तक भी जाता है। और इंडिया में ऐसा नहीं होता है, इंडिया में तो जनरली मैक्सिमम तक 10 पहुंचेगा, बाकी ऊपर तक। हाँ कुछ यहाँ पे कुछ प्रदेश है जम्मू कश्मीर उसको छोड़ के, लेह लद्दाख को छोड़ के, बाकी सब जगह पे तो जनरली क्या होता है टेम्परेचर ज्यादा ही है, एशियन कंट्रीज में टेम्परेचर ज्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब है जहाँ कोल्ड कंट्रीज है वहां पे हीलियम इजीली आपको फिलअप करके एटमोस्फियर से ले सकते हैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे इजीली मिल जाएगा। अगर आप इंडिया में अगर हीलियम यूज करने की बात करेंगे तो यहाँ पे तो हीलियम एटमोस्फियर से मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसी के लिए यहाँ पे ये वर्ड लिखा है कि हीलियम वाज कॉस्टली एज आर्गन, आर्गन से हीलियम थोड़ा कॉस्टली है अगर हमको यूज करना है, गल्फ कंट्रीज में यूज करना है, इंडिया में यूज करना है तो ठीक है। दूसरी बात, हीलियम है वो अमेरिका है रशिया उसमें ज्यादा मिल सकता है, ठीक है उस वहां पे तो मिल गया, तो जो लोगों को हीलियम इजीली मिल जाता है तो वो आर्गन क्यों यूज करेंगे, उसको आर्गन वहां पे नहीं मिल रहा तो वो आर्गन, अभी यहाँ पे हमको आर्गन मिल रहा तो हम लोग हीलियम क्यों यूज करेंगे भाई, ज्यादा पैसा देके हम लोग आर्गन ही यूज करेंगे ना, तो वही एक रीजन है और कोई रीजन नहीं है। और थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि हीलियम जो है थोड़ा वाटर गैस है, आर्गन है वो एवरेज मॉडरेट गैस है और कुछ नहीं है। अगर हीलियम को डायरेक्ट आप यूज करना है तो आपको थोड़ा हीटिंग ज्यादा लेना पड़ेगा, टेम्परेचर करंट ज्यादा लेना पड़ेगा और तब जाके आपको वेल्डिंग प्रॉपर हो सकता है, सॉरी टेम्परेचर कम लेना पड़ेगा और वेल्डिंग हो सकता है। आर्गन में हमको थोड़ा करंट ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि वो कोल्ड ज्वाइंट, वो कोल्ड जो है वो है, ठीक है ऐसा है। ओके सर बोलिए। सर आपके वेल्ड क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा, एकदम सिंपली चकाचक क्वालिटी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में कोई प्रॉब्लम। कभी कभी तो लोग आर्गन और हीलियम का मिक्स करके भी यूज करते हैं, हीलियम का CO2 के साथ मिक्स करके भी यूज करते हैं, वो ऑलरेडी, ये देखो ये मैं इतना बोल रहा हूँ इसका मतलब इतना ही नहीं है, इसके ऊपर करीबन 150 पेज का एक ASME ने वो बनाया है, ठीक है B31.3 भी देख सकते हैं आप, B31.3 नहीं सॉरी SF है 5.32, SF है 5.32 में क्लियर कट दिया है, तो वो भी आप एक बार चेक करेंगे तो आपको ज्यादा उसमें आइडिया आएगा। SF है 5.32 आप देखेंगे सेक्शन 2C का तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जनरली हमने शायद करवाया था लेकिन बहुत कम करवाया था, करीबन 10-15 मिनट में 5.32 खत्म कर दिया था ऐसा। उसमें देखो बहुत सारे गैसेज रहते हैं, एक्टिव गैस और इनर्ट गैस। एक्टिव गैस जो है वो फेरस में यूज होता है, वो दूसरा जो गैस है वो दूसरी जगह पे यूज होता है। मैं आपको वो चैप्टर मेरे पास पढ़ा है, मैं दिखा देता हूँ। हाँ चलो ये थोड़ी बात निकली है तो उसका थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। ये गैस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि गैस में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। CO2 जनरली ज्यादातर FCAW में ही क्यों यूज होता है, क्योंकि वो हॉटर रहेगा उसकी वजह